हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीज पार्क यूट्यूब फैमिली। टुडेज वी आर गोइंग टू स्टार्ट एमसीक्यू क्वेश्चन फॉर द एग्जाम ऑफ असिस्टेंट पब्लिक एंड सैनिटरी वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर, जो एग्जाम बिहार लोक सेवा आयोग पटना के द्वारा आयोजित की जाएंगी। कई स्टूडेंट ने मुझे पर्सनली मैसेज किया था कि सर एमसीक्यू क्वेश्चन भी बनाइए और हिंदी में होता तो बेटर होता। उन स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए मैंने ये क्वेश्चन हिंदी में बनाया है और ये हिंदी में ही होगा। वैसे आप अगर स्टडीज पार्क का वीडियो देखे होंगे, क्लास देखे होंगे, तो वहाँ पे जो मटेरियल्स हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। गीले कचरे को खाद में बदलने की प्रक्रिया को कहा जाता है भस्मीकरण, संरक्षण, चयापचय, कंपोजिटिंग। देखिए हिंदी का वर्ड थोड़ा क्लिष्ट होता है ना। यहाँ पे चयापचय लिखा हुआ है, संरक्षण लिखा हुआ है, भस्मीकरण लिखा हुआ है, कंपोजिटिंग लिखा हुआ है। तो आपने अगर मेरा क्लास देखा है, फर्स्ट सेकंड दोनों क्लास, तो उसमें मैंने बतलाया है भस्मीकरण को इंसिनरेशन बोलते हैं, है ना, इंसिनरेशन बोला जाता है। संरक्षण को कंजर्वेशन भी बोला जाता है, चयापचय को मेटाबॉलिज्म भी बोला जाता है। मैं बस इस क्वेश्चन के लिए लिख दे रहा हूँ कंपोजिटिंग को कंपोजिट ही बोला जाता है, ओके। भस्मीकरण को इंसिनरेशन बोला जाता है, तो समझ में आ गया। गीले कचरे को खाद में बदलने की प्रक्रिया को कहा जाता है, तो इसका इंग्लिश अगर आप हिंदी में थोड़ा क्लिष्ट लग रहा है हिंदी में, इसका आंसर हो जाएगा कंपोजिटिंग। कंपोजिटिंग इंग्लिश में भी कंपोजिटिंग ही बोला जाता है। तो चलिए इसको डिफाइन करते हैं। सही उत्तर कंपोजिटिंग है। देखिए यहाँ खाद की परिभाषा का अर्थ होता है वैसा पदार्थ जिसे अन्य जैविक अपशिष्टों के साथ मिलाने पर सड़ने के लिए छोड़ा जाता हो, वो कंपोजिटिंग कहलाता है। आप कंपोजिटिंग के थ्रू गांव घर में देखा है कंपोजिट का जो उर्वरक बनाते हैं लोग, खाद बनाते हैं कंपोजिट खाद, उसमें देखते हुएगा कि केचुआ सबको पाला जाता है, है ना, और वो केचुआ को रखा जाता है और उसके मल मूत्र से बन जो जमा होता है पदार्थ उसे खाद के रूप में यूज़ किया जाता है, इसे ही कंपोजिटिंग कहा जाता है। ये प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ा हुआ कहानी है। अगर आप अपने लाइफ के अंदर झांक कर देखेंगे ना, तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। समझ में आ गया होगा आपको कंपोजिटिंग का मतलब। यहाँ पे परिभाषा कहती है, खाद की परिभाषा का अर्थ है सब्जियों और अन्य जैविक अवशिष्टों को एक साथ मिलाना और उन्हें सड़ने देना। कंपोस्ट जैविक अवशेषों जैसे कि खाद, पशु, शव, पुआल आदि का एक मिश्रण है। कंपोस्ट जो होता है सड़ने के बाद बनता है। जैसे कि कोई आप पशु देखते हैं, जानवर देखते हैं, उनका जो शरीर है, उनका जो बॉडी है सड़ जाता है, उससे भी बनता है खाद। धान देखें, धान का खेत, उसका जो पुआल होता है वो भी अगर छोड़ दिया जाता है खेत में, तो धीरे 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 वो सड़ गल के मिट्टी में मिल जाता है और मिट्टी को और उर्वरक बना देता है। ये भी एक कंपोस्ट का ही उदाहरण है। तो यहाँ बोला गया है कंपोस्ट जैविक अवशेषों का एक मिश्रण है, जैविक अवशेष का एक मिश्रण होता है, वो हो सकता है खाद भी, पशु का शव भी, पुआल भी और भी कुछ, जिसे उष्णपसंदी उच्च ताप 113 से 160 डिग्री फारेनहाइट के अपघटन से गुजरने के लिए ढेर मिश्रित और सिक्त किया जाता है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि जो कंपोस्ट जैविक अवशेष है उसके उष्णपसंदी उच्च ताप उसका कितना है, तो आप बोलेंगे 113 से 160 डिग्री फारेनहाइट। यहाँ पे उष्णपसंदी का मतलब होता है थर्मोफिलिक। थर्म समझते हैं ना, थर्मोफिलिक वर्ड होता है इंग्लिश में एक, उसी का हिंदी होता है उष्णपसंदी। हिंदी का वर्ड बहुत क्लिष्ट होता है, हालांकि हिंदी में बहुत सारे स्टूडेंट अपने आप को सहज महसूस करते हैं, इसीलिए मैंने बनाया भी है, बट मेरे लिए थोड़ा कठिन हो गया है। मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको समझा पाऊँ। तो यहाँ पे बोला गया उच्च ताप 113 से 160 डिग्री फारेनहाइट के अपघटन से गुजरने के लिए ढेर मिश्रित और सिक्त किया जाता है। यह प्रकाशन पशुओं की खाद बनाने से संबंधित है। कंपोस्ट खाद और उर्वरक ऐसी सामग्री है जो मृदा को नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम और अन्य पोषक तत्वों के साथ समृद्ध करती है। कंपोस्ट, या क्वेश्चन इस प्रकार पूछ सकते हैं कि मिट्टी को कंपोस्ट खाद से मिलने वाले आवश्यक पोषक तत्व कौन कौन से हैं, या फिर कंपोस्ट खाद में निम्नलिखित में से कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। ऑप्शन नाइट्रोजन, फास्फोरस, फारेनहाइट, क-
कैल्शियम पोटेशियम, तो फॉरेनहाइट नहीं होगा, ये तो गर्मी है, मैंने जानबूझकर एक गलत ऑप्शन डाल दिया था। तो आपको जानकारी होना चाहिए कि ये सारे पोषक तत्व मृदा को यानी मिट्टी को प्राप्त होते हैं। अभी ऑप्शन था उसमें इंसिनरेशन, फर्स्ट ऑप्शन जिसको भस्मीकरण बोलते हैं, क्लास में भी मैंने बताया है बोर्ड पर जब मैं पढ़ा रहा था। खैर अब उसमें तो मैंने कहानी के थ्रू बताया था समझाने के लिए, आज डेफिनेशन भी देख लीजिए। भस्मीकरण कचरे के निपटान का एक लोकप्रिय तरीका है। और भस्मीकरण में क्या किया जाता है कि जितना भी कचरा होता है ना, मान लीजिए ये सारा कचरा है, इसमें आग लगा दिया जाता है, इसको जला दिया जाता है, और जलाने के बाद राख बना दिया जाता है, इसी को भस्मीकरण बोलते हैं। यानी कि उसका जो डिस्पोजल होता है, कचरे का जो डिस्पोजल होता है, उसे जला कर किया जाता है, और फिर उसका जो होता है रिसाइकलिंग किया जाता है, और फिर से जमा किया जाता है उसको। भस्मीकरण किए गए अपशिष्ट पदार्थों में से कई में विषाक्त पदार्थों जैसे पारा, डाइऑक्सिन और फॉरेन होते हैं, जो जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड का उत्पादन करते हैं। स्वाभाविक है जब जलेगा तो उसमें ऐसे भी कुछ पदार्थ होंगे, जलने के बाद वो हवा में इस तरह की गैसेस को, हवा में इस तरह का गैस का निर्माण करेंगे या बन जाएगा, जलने के बाद हवा के साथ प्रतिक्रिया भी कर सकता है। जब हम अपशिष्ट को जला रहे होते हैं तो उसमें ऐसे भी कचरे होते हैं जिनमें पारा, डाइऑक्सिन और फॉरेन इत्यादि होते हैं, जो जलने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड का उत्पादन करते हैं। इस उपचार का उपयोग अक्सर विद्युत के उत्पादन में किया जाता है, क्योंकि यह कचरे का के द्रव्यमान को 96% तक कम कर देता है। अब यहाँ कहा जाता है कि ये जो भस्मीकरण है, तो इस यह जो भस्मीकरण का उपचार है, ये जो भस्मीकरण जो किया जाता है कचरे का, खास करके जहाँ पे बिजली का उत्पादन होता है वहाँ किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि जो कचरा होता है ना, उसके द्रव्यमान को ये 96% तक कम कर देता है। ओके, अब देखिए क्वेश्चन एक मैंने पूछा, उस क्वेश्चन के डेफिनेशंस को अगर आप बढ़िया से समझ लेंगे तो उस डेफिनेशन से भी कई क्वेश्चन बनेंगे। अब आपसे बीपीएससी ये भी पूछ सकती है कि ऐसा अपशिष्ट पदार्थ जिनमें पारा, डाइऑक्सिन और फॉरेन पाए जाते हैं, चाहे कुछ भी, जरूरी नहीं है कि ये तीनों बातें लिख दे, वो सीधा लिखेगा, ऐसा अपशिष्ट पदार्थ जिनमें डाइऑक्सिन पाया जाता है, अगर उसे भस्मीकरण विधि के द्वारा जलाया जाए तो कौन से गैस का निर्माण होगा? ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन डी हीलियम। ओके, तो आपके पास जब कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तभी तो आप आंसर दे पाएंगे। डिस्क्रिप्टिव पढ़ने का यही फायदा होता है कि आप क्वेश्चन खुद से बनाने लगते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आप देखते हैं ना, बहुत सारा वीडियो यूट्यूब पे घूमता रहता है, आप यूट्यूब पे चले जाइए तो बहुत सारे आपको ऑब्जेक्टिव्स मिल जाएंगे जो कि आपको लाइन बाय लाइन करा देंगे। लेकिन आप ये याद रखिए कि ये जो एग्ज़ाम है ये आपके 10th का बोर्ड नहीं है, जो आप रट कर चले जाएंगे, या 10th या 11th का बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं है कि आप रट्टा मार कर चले जाएंगे और ठीक उसी स्टाइल में क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में टैली कर जाएगा, ये नहीं होता। एग्जामिनर के थिंक को समझना और उसके थिंक से आपके थिंक को मैच करना पड़ता है, तभी आप एग्ज़ाम क्रैक कर पाते हैं। आपको जब आपका जब कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो एग्जामिनर किसी भी प्रकार से क्वेश्चन को सेट करेंगे, आप बना लीजिएगा। अब बात करते हैं संरक्षण की। संरक्षण क्या है? संरक्षण का मीनिंग ही होता है उन संसाधनों की देखभाल और सुरक्षा है ताकि वे आने वाली पीढ़ियों के लिए बनी रह सकें। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, जैसे कि कोयला, कोयला को संरक्षित करना जरूरी हो गया। वैसी चीज़ें जो नेचर में प्राकृतिक रूप से उपलब्ध हैं और जिसका अगर हम अधिक से अधिक दोहन करने लगे तो एक दिन ये खत्म हो जाएंगी। मानिए आज हम अपनी सुख सुविधा के लिए इसका अधिक से अधिक दोहन करने लगे, मेरे चले जाने के बाद जो हमारा फ्यूचर जनरेशन है, हमारे बाद का जो जनरेशन है, उन्हें तो कोयला नहीं मिल पाएगा, वो तो कोयला का उपयोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमने उनके जनरेशन के आने से पहले ही प्राकृतिक संसाधनों का इतना दोहन कर लिया कि प्रकृति में ये सारे संसाधन बचे ही नहीं। उन्हीं संसाधनों के संरक्षण के लिए ये कॉन्सेप्ट है, और उन संसाधनों का सीमित मात्रा में दोहन किया जा सके, ये कहना चाह रहा है ये कॉन्सेप्ट आपसे, कि वैसा संसाधन जो प्रकृति में मौजूद है, जो खत्म हो जाने वाली है, जो नष्ट हो जाने वाली है, जिसका नेचर नष्ट हो जाना है, जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम,
या फिर और भी खनिज पदार्थ, ये सब क्या है जिसका, इसका अगर अधिक से अधिक दोहन कीजिएगा तो धीरे 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 खत्म हो जाएगी। तो एक दिन आपके पास कोयला नहीं बचेगा, पेट्रोलियम नहीं बचेगा, खनिज नहीं बचेगा, फिर आपके साथ कई नई समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। चलिए हमारा जीवन 50 60 साल 100 साल का है तो हम तो जी लेंगे, लेकिन कभी सोचा है जो हमारे फ्यूचर में हमारे जो जनरेशन होंगे उन्हें क्या मिलेगा? उन्हें तो कुछ नहीं मिलेगा और वे इन संसाधनों के अभाव में हो सकता है कि सर्वाइव ना कर पाए इस दुनिया में, या जो प्रकृति आज हमारे तरह से इस तरह का बिहेव कर रही है कल संसाधन के अभाव में इस प्रकृति का ही बिहेवियर चेंज हो जाए, जस्ट लाइक प्रकृति ने अपना बिहेवियर चेंज करना शुरू भी कर दिया है। आप बोलेंगे कैसे? सर ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग भी इसका एग्जाम्पल है। मानव की गलतियों की वजह से आज की डेट में सबसे अधिक आपको पूरी दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग, इन्वायरमेंट जैसी समस्याएँ उत्पन्न होती नज़र आ रही हैं। इस पर तो कई सारे आपने देखा है कि कन्वेंशंस भी हुए हैं, कोप नाम से कई कन्वेंशंस हुए हैं, इनके लिए कई समितियां बनी हैं, पृथ्वी सम्मेलन भी हुए हैं। यहाँ कहता है संरक्षण मनुष्यों द्वारा प्रकृति का संधारणीय उपयोग है, जैसे शिकार, प्रचालेखन या खनन जैसी गतिविधियां, जबकि परीक्षण का अर्थ है मानव उपयोग के लिए प्रकृति की रक्षा करना। देखिए मैं डेफिनेशन पढ़ दे रहा हूं, लेकिन मेरी आदत बहुत ख़राब है। मैं ये सोच कर आया था कि आज सिर्फ और सिर्फ मैं डेफिनेशन पढ़कर निकल जाऊंगा किताब के लैंग्वेज में। मैं पढ़ता हूँ किताबी लैंग्वेज को तो मुझे खुद ये अनुभव होता है कि इसे पढ़कर हो सकता है कि जो चीज़ दिमाग को, जो चीज़ स्टूडेंट को मिलना चाहिए वो हो सकता है नहीं समझ पाए। काफ़ी ब्रिलियंट स्टूडेंट भी होते हैं और वह पढ़कर समझ जाते हैं, लेकिन टीचर क्या होता है ना कि टीचर को लगता है कि जब तक वो नहीं सेटिस्फाइड हो जाए तब तक लगता है कि सामने वाले ने कुछ समझा नहीं। नेक्स्ट है चयापचय, मेटाबॉलिज्म, चयापचय या चयापचय शरीर की कोशिकाओं में रासायनिक अभिक्रिया है जो भोजन को ऊर्जा में बदलता है। शरीर की कोशिकाओं में रासायनिक अभिक्रिया है जो भोजन को ऊर्जा में बदलता है, इसे ही चयापचय बोलते हैं या मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। इस जटिल जैव रासायनिक प्रक्रिया के दौरान आपके शरीर को कार्य करने के लिए आवश्यक ऊर्जा उत्सर्जित करने के लिए भोजन और पेय पदार्थों में कैलोरी को ऑक्सीजन के साथ मिलाया जाता है। ये कहा गया है कि जब ये जैव रासायनिक प्रक्रिया हमारे शरीर में होती हैं तो उसमें जो आवश्यक ऊर्जा उत्पन्न होती है उसके लिए हमें क्या करना होता है, शरीर में भोजन को और पीने वाले पदार्थ को, पानी जैसे पी लेते हैं, खाना खा लेते हैं, में कैलोरी को जो है वो ऑक्सीजन के साथ मिलाया जाता है। और भोजन और पेय पदार्थों में कैलोरी को ऑक्सीजन के साथ मिलाने के बाद ही ये क्या होता है, आवश्यक ऊर्जा उत्सर्जित करती हैं। अपशिष्ट जल उपचार के दौरान प्लास्टिक की बोतलें, प्लास्टिक और डिब्बे जैसी बड़ी वस्तुओं को किसके द्वारा हटा दिया जाता है? तो जो खराब जल होता है ना, अपशिष्ट, जो गंदा पानी होता है, उसको शुद्ध करने के लिए, उपचार मतलब ट्रीटमेंट होता है, यानी कि उसको ट्रीटमेंट करके गंदे पानी को और शुद्ध बनाया जाता है, पीने लायक बनाया जाता है। आपने सुना होगा कि एक बार नरेंद्र मोदी जी ने समुद्र के पानी को पीने का पानी बनाया था, वहाँ पे प्लांट लगाकर, न्यूज़ में भी आई थी। तो उस प्रक्रिया में ये बोला गया है कि अपशिष्ट जल उपचार के दौरान प्लास्टिक की बोतलें या प्लास्टिक और डिब्बे जैसी बड़ी वस्तुओं को किसके द्वारा हटा दिया जाता है? बार स्क्रीन के द्वारा, निष्यंदन के द्वारा, वायु संचारण के द्वारा, क्लोरीनीकरण के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा बार स्क्रीन के द्वारा। चलिए इसको समझ लेते हैं। सही उत्तर बार स्क्रीन है। मल प्रवाह कारखाना में प्रवेश करने वाला अपशिष्ट जल पहले बार स्क्रीन से गुजरता है। बार स्क्रीन प्लास्टिक की बोतलें, सैनिटरी नैपकिन, डिब्बे, प्लास्टिक बैग, छड़े आदि जैसे बड़े मलबे को हटा देती है। ये बार स्क्रीन क्या होता है, आगे ग्राफ से हमने बताया हुआ है, इसमें एनिमेशन लगा हुआ भी है, इस आगे जब क्वेश्चन आएगा उसमें बता दिया जाएगा। इस बार स्क्रीन को समझाने के लिए मेरे पास एक उदाहरण है, हमारा निजी जीवन। निजी जीवन क्या, जैसे कि हम अपने बाथरूम में जाते हैं, आपने देखा होगा जो पानी बहने वाला होता है, अक्सर हम जहाँ पे काम करते हैं या फिर किचन में काम करते हों या फिर बाथरूम में काम करते हों, नहाते हों, तो जहाँ से पानी की निकासी होती है वहाँ देखे होंगे आप, वहाँ पे एक जाली लगा देते हैं ताकि कोई भी कचरा अगर इस नल के, मतलब नाली, ये जो है पाइप रहता है, पाइप के अंदर ना जाए। यहाँ पे बड़ा जो मलबा होगा, जो भी कचरा होगा, गंदगी होगी, वो क्या होगा, यहीं पर इस छन्नी के द्वारा छान लिया जाएगा। यहाँ पे लगा होता है एक कैप पाइप के ऊपर, और बड़ा मलबा क्या होता है, यहाँ पे रुक जाता है और पानी नीचे से पाइप होके गुजर जाता है।
फैक्ट्री में भी इसी टाइप के मल प्रवाह को रोकने के लिए जो गंदा पानी कारखाना में जाता है, अब मानिए कि जो कारखाना है वो समुद्र के किनारे हमने बना दिया, शुद्ध पानी हमारे पास नहीं है, हमने समुद्र का पानी ही यूज़ किया, तो समुद्र के पानी को डायरेक्ट अगर हम कारखाना में ले रहे हैं तो ज़रूरी थोड़ी ना है कि सारा का डायरेक्ट ही पानी चला जाएगा वहाँ पे, तो उसको फिल्ट्रेशन के थ्रू गुजरना होगा। कारखाना में प्रवेश करने वाला गंदा पानी पहले बार स्क्रीन से गुजरता है, और ये बार स्क्रीन हो सकता है कि इन्होंने जहाँ से पानी गुजर रहा है, ये पाइप है मानिए कारखाना में पानी घुस रहा है, तो यहाँ पर ये क्या करेंगे, बड़ा बड़ा रॉड लगा देंगे या फिर छन्नी लगा देंगे। तो क्या होगा, जब बड़ा बड़ा कचरा जाएगा इधर से, बोतल जाए या प्लास्टिक की सैनिटरी नैपकिन, डिब्बा, प्लास्टिक बैग, छड़ इत्यादि, जो बड़ा सा गंदा है वो यहीं पे रुक जाएगा, और गंदा पानी छोटा छोटा वो अंदर चला जाएगा। कम से कम बड़ा मलबा तो अंदर नहीं जाएगा, बड़ा कचरा तो अंदर नहीं जाएगा, उसको ये यहाँ रोक लेते हैं बार स्क्रीन के थ्रू, इसको बार स्क्रीन बोलते हैं। समझ में आ गया है? अपशिष्ट प्रबंधन मतलब कचरा का प्रबंधन, ये हमने क्लास में बतला भी दिया था। अपशिष्ट जल उपचार एक प्रक्रिया है जिसका उपयोग दूषित पदार्थों को हटाने और पानी को उपयोगी बनाने के लिए किया जाता है। तो ये अपशिष्ट प्रबंधन ज़्यादातर इंडस्ट्रियल एरिया में किया जाता है, फैक्ट्री के द्वारा किया जाता है। अगर ये कारखाना शुद्ध पानी का उपयोग करने लगे तो पानी की ऐसे ही किल्लत है, मानव को पीने के लिए पानी ही नहीं मिलेगा। आप जान रहे हैं कि धरती पर पीने योग्य पानी मात्र 1% ही है जो पानी के फॉर्म में, बाकी सब तो 2% जो हैं वो बर्फ़ के फॉर्म में है। शुद्ध जल हमारे पास 1% ही है, और कारखानों में पानी का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। अगर सभी कारखाने शुद्ध जल का ही उपयोग करने लगे तो मानव को पीने के लिए पानी कम पड़ जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो फैक्ट्रियां क्या करती हैं, अपने काम के लिए बहुत सारा मशीन लगा रखी हैं जो गंदे जल को उपयोग करती हैं, हो सकता है समुद्र का पानी, नदी का पानी, या फिर दूषित जल जिसे हम बहा देते हैं, उन पानी का भी ये उपयोग कर लेते हैं, और उनके लिए इन्होंने बहुत बड़ा बड़ा प्लांट लगाया होता है, और उनके कुछ प्रोसेस होते हैं, उन प्रोसेस को ये अपनाते हैं फिर उनका उपयोग करते हैं। पहला होता है जो इनका अपशिष्ट प्रबंधन होता है पानी का, ये पहले करते हैं सभी पानी को इकट्ठा एक जगह जमा करते हैं, अपशिष्ट जल संग्रह बोलते हैं उसको, फिर उस पानी की स्क्रीनिंग करते हैं। स्क्रीनिंग आप समझ गए, अभी जो मैंने बताया था बार स्क्रीनिंग जो थी उसी तरह का स्क्रीनिंग करते हैं। एक परीक्षा से पानी को गुजरना होता है जहाँ पे बड़ा बड़ा जो कचरा होता है वो रोक दिया जाता है। फिर उसका किया जाता है प्राथमिक उपचार, प्राइमरी ट्रीटमेंट, फिर किया जाता है मिडिल ट्रीटमेंट, माध्यमिक उपचार, लास्ट में इतने प्रोसेस से गुजरने के बाद एक फाइनल ट्रीटमेंट होता है, फिर इसकी स्क्रीनिंग होती है। और स्क्रीनिंग के बाद यह तय कर लिया जाता है कि क्या पानी अब उपयोग लायक है या नहीं। जब तक यह तय नहीं हो जाए कि पानी अब उपयोग लायक है तब तक इन्हें इन प्रोसेस से गुजरना होता है। जब पानी स्क्रीनिंग में फाइनलाइज हो जाती है कि हाँ अब ये शुद्ध हो गई है, अब यूज़ कर सकते हैं, अब इसमें हजार्डस कोई भी खतरनाक कोई भी पदार्थ नहीं है या फिर ये नुकसानदेह नहीं है, तो उपयोग करते हैं स्क्रीनिंग को। स्क्रीनिंग अपशिष्ट जल के उपचार की प्रक्रिया के पहले चरणों में से एक है। जब हम अपशिष्ट जल का उपचार करते हैं तो उनमें जो अपशिष्ट प्रबंधन में स्क्रीनिंग होती है, ये पानी के ट्रीटमेंट की, पानी को शुद्ध करने की प्रथम स्टेज है, प्रथम स्तर है। और एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ये सीक्वेंस भी आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस प्रक्रिया में बड़ी वस्तुओं को अपशिष्ट जल से निकाल दिया जाता है और फिर इसे ग्रीट और रेत हटाने वाले टैंक में स्थानांतरित कर दिया जाता है। समझ में आया? जब पानी को हमने फर्स्ट स्क्रीनिंग में, मानिए इस बार के द्वारा अशुद्ध पानी को, जिसके साथ प्लास्टिक के बड़े बड़े मलबे आ रहे थे, बोतल आ रहा था, उसके साथ नैपकिन आ रहा था, सैनिटरी का बहुत सारा वेस्टेज आ रहा था, या फिर और भी बड़ा बड़ा कचरा आ रहा था, उन्हीं बड़े कचरों को यहाँ पर रोक लिया। लेकिन यहाँ पर हम छोटा छोटा कंक्रीट, बालू, पत्थर, इन सबको तो नहीं रोक पाए, ये तो ऑटोमेटिक चला गया होगा पानी के साथ। तो सेकेंड स्टेज में जब हम फर्स्ट ट्रीटमेंट करेंगे वहाँ पे भी रोकेंगे। इसीलिए क्या करते हैं कि फर्स्ट स्टेज में जो हमारा टैंक होता है, पहला जो टैंक होगा वहाँ पर हम दूषित पानी को, गंदा पानी को इकट्ठा करेंगे, फिर दूसरा टैंक जो होगा वो स्क्रीनिंग के बाद, जब हम स्क्रीनिंग कर लेंगे, यहाँ पर बड़े मलबे को हटा लेंगे, तो स्क्रीनिंग के बाद जहाँ पर इस पानी के साथ अब कंकड़, पत्थर, छोटा छोटा कण, धूल कण इत्यादि चला गया है,
उसके लिए फिर एक जगह इस पानी को स्टोर करके रखेंगे, वो बड़ा सा टैंक होगा ताकि पानी ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर इकट्ठा हो बड़े स्तर पे, और जो भी कण है, कंक्रीट है, रेत है, ये सब पानी के नीचे बैठ जाए सेकेंड स्टेज में, ठीक है। और इस टैंक का नाम रखते हैं ग्रिट और रेत हटाने वाला टैंक होता है ये, ओके। इतना याद रख लीजिए आप लेमैन की तरह, कि पहले बार बार स्क्रीनिंग से गुजरता है ये, फिर दूसरी बार दूसरा जो टैंक होता है जहाँ पर ग्रिट और रेत हटाने वाला टैंक होता है वहाँ पर पानी को जमा करते हैं। इस प्रक्रिया में बड़ी वस्तुओं को अपशिष्ट जल से निकाल दिया जाता है और फिर इसे ग्रिट और रेत हटाने वाले टैंक में स्थानांतरित कर दिया जाता है, ये हमने पढ़ लिया था। अगला है प्राथमिक उपचार अब करते हैं। स्क्रीनिंग के बाद अपशिष्ट जल को प्राथमिक उपचार के लिए ले जाया जाता है जहाँ सभी कार्बनिक अपशिष्ट हटा दिए जाते हैं। अब यहाँ पर होता है कि जैसे ही स्क्रीनिंग हो गई तब फर्स्ट ट्रीटमेंट में प्राथमिक उपचार में जितने भी कार्बनिक पदार्थ होते हैं पानी में उसे हटा दिया जाता है, और प्राथमिक उपचार टैंकों की सतह पर जमने के लिए अपशिष्ट पदार्थ को बड़े टैंकरों में डालकर किया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि जब आप स्क्रीनिंग कर लिए पानी को तो एक छोटा सा टैंकर में जाकर पानी जमा कर दीजिएगा, नहीं, जैसे ही छोटा सा टैंकर में जमा कीजिएगा तो पानी और वो जो बालू रेत है ना सब मिला हुआ रहेगा, उसको वो बैठ ही नहीं पाएगा। उसके लिए क्या किया जाता है, बहुत बड़ा टैंकर में पानी को जमा किया जाता है ताकि पानी के नीचे रेत और कंकर जमा हो जाएं, बैठ जाएं, ओके। और फर्स्ट ट्रीटमेंट में ही, प्रथम उपचार में ही पानी से सभी कार्बनिक अपशिष्ट हटा दिए जाते हैं, ये ध्यान में रखना है आपको। क्या? फर्स्ट ट्रीटमेंट में ही सभी कार्बनिक अपशिष्ट को हटा लिए जाते हैं, और प्राथमिक उपचार जो है टैंक की सतह पर जमने के लिए अपशिष्ट पदार्थों को बड़े टैंकों में डालकर किया जाता है। तो बड़े टैंकर में ही डालकर आप फर्स्ट ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं द्वितीयक उपचार की। प्राथमिक उपचार के बाद पानी को वायु संचारण लेन नामक एक टैंक से गुजारा जाता है जहाँ हवा में एरोबिक बैक्टीरिया की वृद्धि को बढ़ाने के लिए पानी में टैप किया जाता है। अब जब यहाँ पर हमने बार स्क्रीनिंग कर लिया, फिर बड़ा सा टैंकर में पानी जमा कर लिया है ना, रेत और ग्रीट वाला जो था टैंकर उसमें जमा कर लिया, फिर यहाँ से हम वायु संचारण लेन नामक टैंक में पानी को गुजारा जाता है, और जहाँ हवा में क्या एरोबिक बैक्टीरिया की वृद्धि को बढ़ाने के लिए पानी में टैप किया जाता है, समझ में आ गया। तो जब द्वितीयक उपचार होती है उसमें वायु संचारण लेन नामक एक टैंक से पानी को गुजारा जाता है और हवा में एरोबिक बैक्टीरिया की वृद्धि को बढ़ाने के लिए पानी में टैप किया जाता है। बैक्टीरिया पंख के छोटे कणों को तोड़ते हैं जो प्राथमिक उपचार के बाद बच गए हैं। अब जब देखिए पानी में, अब तो वहाँ पर आप कंकर, पत्थर और कार्बनिक यौगिक को निकाल दिए, कार्बनिक पदार्थ को निकाल दिए, लेकिन बैक्टीरिया तो काफ़ी सूक्ष्म होती हैं, पानी के साथ तो वो आ ही जाती हैं, अब भी अशुद्ध है ना। तो बैक्टीरिया क्या करती हैं, बैक्टीरिया को छोटे छोटे कणों को यहाँ पे तोड़कर प्राथमिक उपचार के बाद जो बच जाता है द्वितीयक उपचार में उसे क्या किया जाता है, नष्ट किया जाता है, तोड़ दिया जाता है उसको छोटे छोटे कणों में। अब किया जाता है फाइनल ट्रीटमेंट, अंतिम उपचार। सक्रिय पंख को रेत सुखाने की मशीन के माध्यम से पारित किया जाता है जहाँ कीचड़ सूख जाता है और पानी को फिल्टर किया जाता है। अब यहाँ पे जो बैक्टीरिया आया था पानी के साथ, देखते हो एकदम गंदा पानी गया होगा, जब कितना भी मिल गया होगा फिर भी पानी का जो होगा उसके साथ छोटा कण बैक्टीरिया वगैरह मिला होगा तो पानी गंदा ही होगा। जब इनके कणों को, छोटे छोटे कणों को तोड़ते हैं तो ये बन जाता है कीचड़। अब ये क्या होता है, अंतिम उपचार में ये पानी रेत सुखाने की मशीन के माध्यम से गुजरता है और वहाँ पर कीचड़ सूख जाता है और पानी को फिल्टर किया जाता है। फिर यहाँ पे पानी को एक दीवार पर प्रवाहित करने के लिए निर्देशित किया जाता है जिसमें रेत के बिस्तर के माध्यम से फिल्टर किया जाता है। इसका उदाहरण मैं बताना चाहूँगा, अगर आपने कभी मैनुअल पानी फिल्टर का मशीन देखा है, कभी आपने मैनुअल पानी का फिल्टर पिया है, जो वो कार्टेज लगता था, पानी बिकता था, अब तो कैंट आ गया जो बिजली से चलती है, बिना बिजली के वो पानी फिल्टर करता था, पहले मार्केट में बिकता था, उसका नाम एक्वागार्ड वगैरह का भी आता था, उषा की भी आती थी, उषा ब्रिटा की। उसमें क्या होता था, अगर आपने उस मशीन को देखा होगा तो उसमें भी ये बालू का, रेत का जो होता है ना, एक फिल्टर लगा होता था। अब बोलेंगे बालू तो पानी पूरा एकदम किचकिच हो जाएगा, पिया नहीं जाएगा, ऐसा नहीं होता, वो जमा हुआ होता है, उसमें और भी चीज़ें मिलाई होती हैं और उसे कार्ट्रिज बोलते हैं। उसके थ्रू क्या होता है,
पानी का एकदम महीन से महीन कण भी उसको पार नहीं कर सकता, बहुत सारे उसमें लेयर्स होते हैं और उस पर से पानी एकदम रिश्ता है, अगर आप मैनुअल फिल्टर देखे होंगे तो, और रिस रिस कर नीचे गिरता है और पानी एकदम शुद्ध हो जाता है सारा। अब जब पानी फिल्टर हो जाएगा, दो तीन दिन बाद हम लोग साफ़ करते थे, जिस समय में नया नया आया ही था ये फिल्टर, लगभग ये बात हम कर रहे हैं 2008 की बात कर रहे हैं, उस समय की बात कर रहे हैं, वर्ष 2007-08 में जब मैं दिल्ली में पढ़ाई करता था, तब वहाँ पे पानी पीने के लिए मैंने एक मशीन ख़रीदा था उषा बिरला की, और अभी हिट किया मेरे दिमाग, जैसे ही मैंने यहाँ पर रेत के बिस्तर के माध्यम से फिल्टर की बात पढ़ी तो मुझे याद आया कि हाँ वो मशीन भी इस तरह का यूज़ करती है, इसी तरह से वो फैक्ट्री कारखाना वगैरह भी करती होंगी, और अतिरिक्त कणों को यहाँ पर समाप्त कर दिया जाता होगा। और फिर छना हुआ पानी जो है, जो हमारे यूज़ की चीज़ है, वो तो ले लिए हम, और जो बच गया उस पानी को फिर नदी में छोड़ दिया जाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर? कचरे से छुटकारा पाने के लिए 3R का नियम शामिल नहीं है। अब कचरे से छुटकारा पाने के लिए निम्न में से कौन सा 3R का नियम है जो नहीं शामिल है, ये पूछ रहा है, शामिल नहीं है। अगर शामिल है पूछता तो आपने अगर मेरा क्लास किया है, मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, स्टडीज़ पार्क यूट्यूब फैमिली, जो हमारा स्टडीज़ पार्क का यूट्यूब चैनल है, उसके प्लेलिस्ट में जाएंगे, असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर का एक फोल्डर बना होगा, उसमें मैंने जो बोर्ड पर पढ़ाया है उसमें 3R के बारे में भी बतलाया है, वहाँ आप पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ GS आज तक मैं ये कोर्स पढ़ा रहा हूँ, साथ ही साथ GS आज तक असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर का कोर्स भी चला रही है। BPSC असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर की तैयारी के लिए हमारे चैनल स्टडीज पार्क को सब्सक्राइब करें, ये आज तक पे चेकआउट कर सकते हैं। कचरे से छुटकारा पाने के लिए 3R का नियम, 3R का नियम कौन कौन सा है पता ही है आपको, पहले होता है रिड्यूस, फिर होता है रीयूज, फिर होता है रिसाइकल, ये 3R हमने पढ़ाए थे। रीजनरेशन नहीं है तो इसका आंसर हो जाएगा 3 रीजन। उत्तर है पुनर्जनन, हिंदी में बोला है। कचरे से छुटकारा पाने के लिए 3R के नियम रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल शामिल है। कचरे को कम करने के 3 नियम हैं। पहला है रिड्यूस, इसका मतलब है अधिक भविष्य को बचाने के लिए संसाधन का कम उपयोग करना। हमने अभी बताया था कि जितना हम जरूरत से ज़्यादा कर ले रहे हैं किसी चीज़ का उपयोग, जो हमें नहीं करना है उस चीज़ को बोलता है ये वेस्ट मैनेजमेंट, कम करने के लिए कि जितना ज़रूरत है हमें उतना ही करना चाहिए, हो सके तो ज़रूरत से कम भी करें ताकि भविष्य में ये संसाधन बची रहे हमारे जनरेशन के लिए, उनके सर्वाइवल के लिए। दूसरा उदाहरण भी दिया गया है, बिजली बचाने के लिए उपयोग में नहीं आने पर पंखे और लाइट का बंद करना, ये भी एक एग्जांपल हो सकता है। मानिए बिजली का खपत है हमारा, बिजली जो बन रहा है, बिजली बनाने के लिए कई जगह पे कोयला का उपयोग किया जाता है। आप सोचिए कि कोयला जो कि प्राकृतिक संसाधन है, एक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हम दूसरी ऊर्जा को नष्ट कर रहे हैं, तो हमारे पास ये सीमित संसाधन है ना, लिमिट मात्रा में है, तो क्यों हम बिजली का बर्बादी करें, जितना उपयोग है उतना करेंगे। हमें अगर पंखा नहीं चलाना है तो बेवजह पंखा में लाइट देकर क्यों रखेंगे, और जहाँ पे लाइट का ज़रूरत नहीं है वहाँ पे लाइट जलाकर क्यों रखेंगे, क्यों ना बंद करके रखा जाए, इससे बिजली की बचत होगी, मैं उपयोग नहीं कर रहा हूँ किसी दूसरे के काम आ जाएगा, तो ये भावना रखना होगा। और 3R ये भी यही कहती हैं। रीयूज़ यह रणनीति उनके जीवन और उपयोगिता को बढ़ाने के लिए बार बार चीज़ों का उपयोग करने का मतलब है। रीयूज़ का मतलब है कि एक बार जो चीज़ यूज़ हो गया उसको दोबारा यूज़ किया जाता है। हम बार बार कोयला का एग्जांपल ले रहे हैं, तो मैं गांव घर में देखता था कि एक बार दुकानदार कोयला यूज़ कर लिया तो क्या जलने के बाद फिर से उसको गोल गोल टाइप का बनाकर फिर से वो जलाते थे, उसका फिर से यूज़ करते थे और वो जलता भी था सेकेंड टाइम भी, तो ये रीयूज़ भी हो गया। उदाहरण के लिए यहाँ पे कह रहा है कि भंडारण कंटेनर के रूप में कार्य करने के लिए पुरानी जाम या अचार की बोतलों का पुनः उपयोग करना, तो रीयूज़ का एक उदाहरण ये भी हो सकता है कि देख जैसे कि आम का सीज़न आया तो हम लोग आम खा लेते हैं, आम खाने के साथ साथ उसको दोबारा उपयोग करने के लिए भंडारण कंटेनर का उपयोग करते हैं और पुरानी जाम या अचार की बोतलों का उपयोग करते हैं। एक बार आम का अचार बन गया उस कंटेनर में तो ऐसा नहीं है कि जैसे ही अचार खत्म हुआ था कंटेनर फेंक दिया अचार वाला, फिर दोबारा साल अगर हम बनाएँ तो फिर उसी कंटेनर में हम उसको यूज़ कर लिए, समझ में आ रहा है, तो ये रीयूज़ हो गया। अगला होता है रिसाइकल। रिसाइकल का मतलब होता है कि जो बेकार प्लास्टिक की बोतल है या फिर जो शीशा है, कागज़ है, जिसे हम फेंक देते हैं, वेस्टेज है, उसको कलेक्ट करना और कलेक्ट करके रिसाइकलिंग करना, पुनर्चक्रण करना, पुनर्निर्माण करना करके
और हम क्या करते हैं, एक नई चीज़ों का निर्माण कर देते हैं। यही तो रिसाइकल है। और उदाहरण में बोला भी है कि बेकार प्लास्टिक की बोतल से फूल का फूलदान बना लेते हैं। अमानी घर घर में भी लोगों महिलाओं को देखा जाता है कि एक बेकार पड़ा बोतल भी होता है तो उससे गुलदस्ता वगैरह बना लेती हैं। वो एकदम इतना सुंदर कारीगरी कर दिया जाता है उसमें, इतना अच्छा फूल वगैरह बना दिया जाता है, इतना सुंदर लगेगा आपको कि आपको लगेगा ही नहीं कि बेकार पड़ी बोतल को ये यूज़ में लिया है। तो इसका रिसाइकलिंग ये भी एग्जाम्पल है। अब 3R का महत्व समझते हैं। बढ़ती आबादी के साथ हमारे प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण हो गया है। अब संरक्षण में हमने खूब डिटेल्स में आपको बता दिया था कि जिस तरह से हमारी आबादी बढ़ रही है उस तरह से प्राकृतिक संसाधनों का बचाव करना, उसका रक्षा करना हमारा दायित्व बन गया है। दीर्घकालिक में अनवीकरणीय है और इसीलिए आज उन्हें किफ़ायती तरीके से उपयोग करने की तत्काल आवश्यकता है। और कहा गया है कि जब लॉन्ग समय के लिए ये फिर से उत्पन्न नहीं किया जा सकता, बनाया नहीं जा सकता, क्योंकि प्राकृतिक संसाधन तो प्राकृतिक है, प्रकृति में जितना अवेलेबल है उतना ही रहेगा, तो वो हम दोबारा नहीं बना सकते हैं, उनकी संभावना कम है नया होने का। तो उसका जो है संरक्षण तुरंत आवश्यक है। संसाधनों के किफ़ायती उपयोग से यह भी सुनिश्चित होता है कि वैश्विक और इन सब चीज़ों को का उपयोग करके ग्लोबल वार्मिंग पर को भी रोका जा सकता है। यहाँ पे ग्राफ के माध्यम से समझाया गया है कि आप रिड्यूस कैसे कर सकते हैं। जैसे आप देखते होइएगा कि नल का पानी सर गवर्नमेंट के थ्रू आ रहा है, बिहार में तो नल जल योजना के थ्रू पानी आ रहा है, और ये पानी तो फ्री में मिल रहा है। अब जिन्हें मिल रहा है वो क्या करते हैं, पानी आया नल का यहाँ पे बटन चालू करके छोड़ दिया, पानी बह रहा है, पीने यहाँ पर बाल्टी है ही नहीं, लेने वाला कोई नहीं है, पानी बहकर एकदम नाला में बह रहा है, मैंने देखा है कई जगह। तो इसे रिड्यूस करना है। ये कहता है कि ज़रूरत नहीं है तो इस नल को ना बंद कर दीजिए, आप यहाँ पे पानी गिरना नहीं चाहिए, इसको रिड्यूस कीजिए। बिजली की ज़रूरत अगर नहीं है तो उसे मत जलाइए। रीयूज़ का मतलब है कि जो कि कोई भी चीज़ को बार बार उपयोग करना, जैसे हमने बताया था कि अचार का कंटेनर है, अचार का कंटेनर एक साल में एक बार यूज़ होता है, फिर नेक्स्ट ईयर क्या होता है कि हम उसी कंटेनर को दूसरी बार अचार बनाने के लिए यूज़ कर लेते हैं। तो ये रीयूज हो गया, ज़रूरी नहीं कि हर साल हम कंटेनर खरीदें। तो एक ही चीज़ को बार 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 उपयोग करना रीयूज़ कहलाता है, और ये हमारे लिए फ़ायदेमंद भी है एनवायरनमेंट के दृष्टिकोण से भी और वेस्टेज के दृष्टिकोण से भी। जितना कम हम नई चीज़ों को यूज़ करेंगे, ख़राब करेंगे, उतना कम कचरा उत्पन्न होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं कचरा को कम करने के लिए। थर्ड है रिसाइकल। रिसाइकलिंग के थ्रू हम डिस्पोज करते हैं वेस्टेज का, कचरे का, और रिसाइकलिंग के थ्रू नए चीज़ों का निर्माण भी करते हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार। जैसे कि अभी हमने बताया था कि प्लास्टिक का कचरा हो, ग्लास हो, कागज़ हो, इन सब चीज़ को रिसाइकलिंग के थ्रू फिर से बना दिया जाता है नया, और फिर हम उसे नए उपयोग में लाते हैं। कि भौतिक उपचार प्रक्रियाओं के दौरान निम्नलिखित प्रक्रियाओं का सही क्रम क्या है, उर्णन, क्षणन, स्क्रीनिंग, अवसादन, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें। अब देखने के बाद, पहले हमने पढ़ा था स्क्रीनिंग, पढ़ा था ना कि अपशिष्ट जल का जब उसका फिजिकल ट्रीटमेंट किया जाता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बार स्क्रीनिंग करते हैं उसकी, तो स्क्रीनिंग हो जाएगा। फिर दूसरा हो जाएगा अवसादन, को इंग्लिश में सेडिमेंटेशन बोलते हैं, तो यहाँ पे हम सेडिमेंटेशन कर सकते हैं, इसका अवसादन करेंगे। ये छानन तो लास्ट में हुआ था, वो छान करके पानी को फिर नदी में छोड़ दिया जाता है, याद कीजिए। तो हमारे पास मिल गया सी डी सीरीज और लास्ट में होगा बी, तो सी डी लास्ट में बी, तो यहाँ ए हो जाएगा, सी डी ए बी, सी डी ए बी, स्क्रीनिंग, सेडिमेंटेशन, और उर्णन को बोलते हैं, उर्णन को फ्लोक्यूलेशन, फ्लोक्यूलेशन बोलते हैं, और छनन को फिल्ट्रेशन बोलते हैं। तो सी डी ए बी, सी डी, सी डी ए बी, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अब अपशिष्ट जल के उपचार को समझते हैं। अपशिष्ट जल उपचार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका उपयोग अपशिष्ट जल या मल से दूषित पदार्थों को निकालने के लिए किया जाता है, और इसे एक ऐसे अपशिष्ट में परिवर्तित किया जाता है जिसे पर्यावरण पर स्वीकार्य प्रभाव के साथ पानी के चक्र में लौटाया जाता है या विभिन्न प्रयोजनों के लिए पुनः उपयोग किया जाता है। इसे हम लोगों ने विस्तार से पढ़ लिया है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। ठोस कणों को हटाने के लिए स्क्रीनिंग, अवसादन और स्कीमिंग जैसी प्रक्रियाओं का उपयोग किया जाता है। याद कर लीजिएगा ये कौन सा हिंदी में है, आपके लिए फ़ायदेमंद है ये प्रोसेस, ये स्टेज, ये लेवल याद कर लीजिएगा कि स्क्रीनिंग के बाद अवसादन, स्कीमिंग भी बोलते हैं, अवसादन और स्कीमिंग जैसी प्रक्रियाओं का उपयोग किया जाता है। और इस प्रक्रिया में कोई भी रसायन शामिल नहीं होती है, या कोई भी केमिकल इस प्रक्रिया में यूज नहीं किया जाता है, याद कीजिएगा, क्योंकि ये भौतिक अपशिष्ट जल उपचार की तकनीक है। और इसकी मुख्य तकनीकों में से एक है अवसादन, जो अपशिष्ट जल से अघुलनशील भारी कणों को निलंबित करने की एक प्रक्रिया है। देखिए अवसादन
को मैं हिंदी में तो नहीं समझ पाया था, लेकिन इंग्लिश में सेडिमेंटेशन ये मैं समझ गया था। तो अवसादन क्या करता है, सेडिमेंटेशन क्या करता है, आपने 10th में भी पढ़ा होगा। जो अपशिष्ट जल में, यानी कि जो गंदा पानी है ना, उस गंदा पानी में भी नहीं घुलता है, अघुलनशील होता है और भारी कण होता है, तो उसको निलंबित करने की प्रक्रिया को हम अवसादन बोलते हैं, सेडिमेंटेशन बोलते हैं। जल उपचार एक ऐसी प्रक्रिया है जो पानी की गुणवत्ता में सुधार करता है ताकि यह विशिष्ट अंत उपयोग के लिए उपयुक्त हो सके। अंतिम उपयोग पीने, औद्योगिक जल आपूर्ति, सिंचाई, नदी के प्रवाह के रखरखाव, जल मनोरंजन या कई अन्य उपयोग हो सकते हैं, जिसमें पर्यावरण में सुरक्षित रूप से वापस आना भी शामिल है। प्राथमिक उपचार सेडिमेंटेशन अवसादन पर काम करता है, जहां ठोस कण पानी से कई अलग अलग टैंकों के माध्यम से अलग हो जाते हैं। इसके विपरीत द्वितीयक उपचार में वातन, जैविक निष्पंदन और इसके पूरे प्रक्रिया में अपशिष्ट का परस्पर क्रिया का उपयोग किया जाता है। इसको हमने इन डिटेल समझा भी था, दोबारा मैं बोल देता हूँ कि जो हम लोग वाटर का ट्रीटमेंट करते हैं, गंदे पानी का जो प्रबंधन करते हैं, उसका ट्रीटमेंट करते हैं, उसमें सबसे पहले हमने क्या किया था कि स्क्रीनिंग किया था, उसके बाद उसका फर्स्ट प्राइमरी ट्रीटमेंट किया था, और प्राइमरी ट्रीटमेंट में ही सेडिमेंटेशन आता है, अवसादन आता है, जहाँ पर प्राइमरी ट्रीटमेंट के दौरान ठोस कण पानी से अलग कर लिया जाता है, जैसे कि रेत हो गया, बालू हो गया, कचरा हो गया, भारी कण हो गया, ये सब अलग हो जाता है वहाँ से। फिर द्वितीयक जो उपचार होता है सेकेंड ट्रीटमेंट में, जितना बैक्टीरिया होता है, सूक्ष्म कण, जैविक जो मलबे होते हैं, दो तरह का गंदगी होता है, मलबा होता है। एक देखिए यहाँ पे बोला गया है ठोस, जो कि सॉलिड है, ठोस है, वो तो चलिए फर्स्ट टैंक में बैठ जाता है, लेकिन जो पानी के साथ मिल जाता है, जैविक जो कीटाणु होते हैं, जो मानव के लिए, जो जिसे हम नंगी आँख से देख नहीं सकते, तो उसका जो है यहाँ पे ट्रीटमेंट किया जाता है। प्राथमिक या भौतिक उपचार, यह निष्पंदन और अवसादन की दो प्रक्रियाओं के माध्यम से मल से छोटे और बड़े अस्थायी और निलंबित ठोस को हटाने की प्रक्रिया है। तो प्राथमिक और भौतिक उपचार में निष्पंदन और अवसादन की दो प्रक्रियाएं शामिल हैं, जिनके द्वारा जो गंदगी होते हैं उनके छोटे और बड़े अस्थायी और निलंबित ठोस को हटाया जाता है इन प्रक्रिया के दौरान। और इनमें जो शामिल होता है वो होता है स्टोरेज, पहले पानी को स्टोर करते हैं, स्टोरेज होता है ना, हमने पढ़ा था। उसके बाद होता है स्क्रीनिंग और स्ट्रेनिंग, उस पानी का स्क्रीनिंग करते हैं। फिर क्या करते हैं, उसका सेडिमेंटेशन अवसादन होता है फर्स्ट ट्रीटमेंट में, फिर निष्पंदन होता है मिडिल ट्रीटमेंट में, फिर कीटाणु शोधन होता है सेकेंड ट्रीटमेंट में, द्वितीय उपचारण में, फिर भंडारण स्टोरेज करते हैं, और अंत में इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। साफ पानी का भी स्क्रीनिंग किया जाता है, फिर इसको उसको जमा भी किया जाता है साफ पानी को, और फिर इसका लास्ट में डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। इन चरणों को और अधिक विस्तार से ग्राफ के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि देखिए सबसे पहले कौन सा वाटर आया। सबसे पहले कोलोडियल सस्पेंशन में पानी को जमा किया जाता है, फिर कोगुलेंट एंड फ्लोकुलेंट मिक्सिंग होती है, जिसे अवसादन और निष्पंदन की क्रियाएं हैं, जहां पर बड़ा बड़ा रेत जो होता है, कण होता है, वो बड़े टैंकर में जाकर जमा हो जाता है। फिर कोगुलेशन एंड फ्लोकुलेशन होता है, वही अवसादन और निष्पंदन। फिर थर्ड टाइम में जो होता है माइक्रोफ्लो फॉर्मेशन होता है, जहाँ पे बैक्टीरिया को छोटे छोटे कणों में जो हम तोड़ते थे, वो यहाँ पर एक जमा हो जाता है कीचड़ के फॉर्म में, और फिर पानी यहाँ पर क्लेरिफाइड वाटर वापस हमको मिलता है। जो प्रोसेस हमने समझाया है उसी फिगर के माध्यम से यहाँ पे दिखा दिया गया है। आप इस फिगर को बना लेंगे इसी फॉर्म में और याद कर लेंगे कि कौन कौन सा प्रोसेस होता है। तो आप लिखेंगे पहले कोलोडियल सस्पेंशन में आता है, फिर मिक्सिंग होता है किसका, कोगुलेंट एंड फ्लोकुलेंट का, फिर यहाँ पे कोगुलेशन एंड फ्लोकुलेशन होता है, फिर माइक्रोफ्लो फॉर्मेशन होता है, शटिंग किया, फिर यहाँ पे क्लेरिफाइड वाटर हमें मिल जाता है। अस्पताल के ठोस अपशिष्ट को डैश के रूप में वर्गित किया जाता है, खतरनाक, दूसरा है गैर खतरनाक, तीसरा है खाद, चौथा है दहनशील। अस्पताल के ठोस अपशिष्ट को खतरनाक हजार्डस वेस्ट की श्रेणी में रखा गया। अब बोलेंगे क्यों सर, क्योंकि वहाँ पे जो डिस्पोजेबल वेस्ट होते हैं वो बहुत केमिकल होते हैं, और सिरिंज, दवाइयाँ, ये सब काफ़ी खतरनाक हैं, उनके बारे में डिटेल जानते हैं। देखिए ठोस अपशिष्ट, सॉलिड वेस्ट का अर्थ है कचरा, जूठा अपशिष्ट, जल उपचार, या फिर कोई भी इंडस्ट्री से कीचड़, जल आपूर्ति उपचार संयंत्र या वायु प्रदूषण नियंत्रण सुविधा इत्यादि होता है इसका मतलब। यह ठोस, तरल, अर्ध ठोस या निहित गैसीय सामग्री सहित अन्य अपशिष्ट पदार्थ जो औद्योगिक, वाणिज्यिक, खनन और कृषि कार्यों और सामुदायिक गतिविधियों से उत्पन्न होते हैं। ठोस अपशिष्ट को उनके स्रोत के आधार पर विभिन्न प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है, वो ये हैं, घरेलू अपशिष्ट, औद्योगिक अपशिष्ट एंड जैव चिकित्सा अपशिष्ट या अस्पताल अपशिष्ट। ठोस अपशिष्ट है, इन्हें विभिन्न प्रकार में वर्गीकृत किया गया है, उनका प्रकार है ये 3 प्रकार का,
यहाँ पे है घरेलू अपशिष्ट, औद्योगिक अपशिष्ट या जैव चिकित्सा अपशिष्ट या अस्पताल अपशिष्ट, ये याद कर लीजिएगा। अब खतरनाक अपशिष्ट के बारे में जानते हैं। औद्योगिक और अस्पताल अपशिष्ट को खतरनाक माना जाता है क्योंकि उनमें विषाक्त पदार्थ हो सकते हैं। जो इंडस्ट्री से वेस्टेज निकलते हैं उनमें केमिकल्स भी निकलते हैं। देखते हैं यमुना का क्या स्थिति है, यमुना नदी है ना, बोलते हैं कि यमुना नदी में पिछले वर्ष छठ के टाइम में झाग आ गया था, पूरा झाग झाग था और पानी काला हो गया, एकदम काला पानी हो गया है, सब केमिकल्स की वजह से। और ये पानी जहरीला कैसे हुआ, काला कैसे हुआ, क्योंकि हमने इंडस्ट्री का वेस्टेज यमुना नदी में बहाया। तो औद्योगिक कचड़े, औद्योगिक अपशिष्ट जब पानी में मिला तो उतनी बड़ी नदी को भी बर्बाद करके रख दिया, एक नाला बना दिया। सोच लीजिए कि कितना खतरनाक है वो। उसी प्रकार जो अस्पताल में अपशिष्ट होते हैं, वेस्टेज होते हैं, वो भी काफ़ी जहरीला होते हैं, वो हजार्डस की श्रेणी में आते हैं। कुछ प्रकार के घरेलू अपशिष्ट भी खतरनाक होते हैं और खतरनाक अपशिष्ट मनुष्यों, जानवरों और पौधों के लिए अत्यधिक जहरीला हो सकता है। संक्षारक अत्यधिक ज्वलनशील या विस्फोटक होते हैं और कुछ चीज़ों के संपर्क में आने से अभिक्रिया कर लेते हैं। कुछ संक्षारक अत्यधिक ज्वलनशील और विस्फोटक होते हैं और जैसे ही कुछ चीज़ों के संपर्क में आते हैं और उसके साथ अभिक्रिया कर लेते हैं, जैसे कि कुछ गैसें हैं जो वायु के साथ अभिक्रिया कर लेते हैं, उन्हें केरोसिन में भी डालकर रखा जाता है कि नहीं। तो ये सारा है खतरनाक अपशिष्ट। फिर है अस्पताल के ठोस अपशिष्ट। अस्पताल अपशिष्ट मनुष्यों या जानवरों के निदान, उपचार या टीकाकरण या इन क्षेत्रों में अनुसंधान गतिविधियों में या जैविक के उत्पादन या परीक्षण के दौरान उत्पन्न होता है। इसमें तीखे ठोस अपशिष्ट, डिस्पोजेबल शारीरिक अपशिष्ट, त्यागी हुई दवाइयाँ, रासायनिक अपशिष्ट आदि जैसे शामिल हैं। देखिए अस्पताल में जो भी वेस्टेज होते हैं वो सब रिसर्च के दौरान, रिसर्च एंड डेवलपमेंट से भी उत्पन्न होते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल में नई नई रिसर्च किए जाते हैं मानव पे, या फिर मानव का जो ऑपरेशन हुआ, दवाई हुआ, ट्रीटमेंट हुआ, या फिर उनको अब नॉर्मल देखिए सिरिंज वगैरह भी यूज़ होता है, उनको भी डिस्पोज कर किया जाता है। कितना ख़तरनाक है ये, ऑपरेशन होता है उनका, ब्लड हो गया है ना, नैपकिन्स हो गए, बहुत सारा चीज़ वो काफ़ी आदमी के द्वारा त्यागा हुआ जो दवा है, फेंका हुआ, वो सब भी है। ये डिस्पोजेबल सिरिंज, फाहे, पट्टी, शरीर के तरल पदार्थ, पीप वगैरह हो गया, मानव उत्सर्जन आदि के रूप में हो सकते हैं। यह अपशिष्ट अत्यधिक संक्रामक हैं और वैज्ञानिक और भेदभावपूर्ण तरीके से प्रतिबंधित नहीं होने पर मानव स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर खतरा हो सकते हैं। चूँकि ये जो वेस्टेज है ये इसीलिए काफ़ी खतरनाक है क्योंकि ये जो होता है ना संक्रमण फैला देता है, एक से दूसरे में फैलने वाला है ये। मानिए कि किसी भी मानव, किसी भी मनुष्य का ब्लड ही है, उस मनुष्य के ब्लड को ऑपरेशन के बाद कुछ वेस्टेज होता है, उसको रुई में पोंछा गया, फेंका गया, अब वो वेस्टेज हो गया, कचरा में फेंका गया, कचरा उठाने वाला आदमी उसे क्या पता कि ये किस प्रकार का है। अगर गलती से भी मानिए कि बाय मिस्टेक, वैसे तो डिस्पोज कर दिया जाता है हर चीज़ों का, चाहे वो सिरिंज ही क्यों ना हो, मानव डिस्पोजेबल सिरिंज, लेकिन गलती से भी अगर उसे कहीं लग गया या फिर वो कहीं ऐसी जगह पे कटा फटा है उसको टच करके उसे भी संक्रमित कर दिया, तो सोचिए कि उस इंसान के लिए, उस मानव के लिए कितना खतरनाक हो गया। और इसे गंभीर खतरा बताया भी गया है, इसलिए अस्पताल के ठोस अपशिष्ट को खतरनाक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित तत्वों में से जो आमतौर पर सूखे मल मिट्टी में सबसे प्रचुर मात्रा में होता है वो क्या है। कुल नाइट्रोजन, कुल सल्फर, कैल्शियम, कुल फास्फोरस। तो जो सूखा हुआ मल या कचरा होता है या मिट्टी होता है उसमें सबसे अधिक मात्रा में जो होता है वो आपका कैल्शियम पाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम। अब देखिए जो मल मिट्टी है, मल मिट्टी औद्योगिक या शोधन यानी रिसर्च प्रक्रियाओं से बचा हुआ एक अपशिष्ट अर्ध ठोस उत्पाद होता है, कि आधा ठोस होता है, ना गीला होता है और ना ही पूर्ण ठोस होता है, बीच का होता है वो। यह एक तरल में एक अलग ठोस निलंबित होता है, आमतौर पर इसके ठोस कणों के बीच बड़ी मात्रा में बीच वाला पानी होता है। इस अवयव को इसकी मात्रा में कमी करने और कीचर में मौजूद बायोसॉलिड्स की नमी को कम करने के लिए सुखाया जा सकता है। इस टाइप का जो कचरा है इसमें कमी करने के लिए क्या कर सकते हैं, सुखाया जाता है इसको, क्योंकि ना ये गीला है ना सूखा हुआ है, बीच का है तो ज़्यादा ही होगा, और जैसे ही सुखा देंगे तो ये कम हो जाएगा, उसकी मात्रा कम हो जाएगी, हल्का हो जाएगा। सूखे या उपचारित कीचड़ मुख्य रूप से कृषि भूमि के अनुप्रयोग सहित कई प्रकार के अनुप्रयोग प्रदान करता है। जब सुखाने को बायोसॉलिड्स बनाने के लिए पूरा किया जाता है तो ये बायोसॉलिड्स फसल कटाई के लिए उर्वरक के रूप में कार्य करते हैं। बायोसॉलिड्स में पाए जाने वाले कैल्शियम, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन और फास्फोरस का उपयोग
फसलों द्वारा काफ़ी कुशलता से किया जाता है, क्योंकि इन पौधों के पोषक तत्व पूरे मौसम में धीरे धीरे निर्मुक्त होते हैं। यह फसल को इन पोषक तत्वों को अवशोषित करने की अनुमति देता है, क्योंकि फसल बढ़ती है। आमतौर पर सूखे मल मिट्टी में कैल्शियम सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अब देखिए, ये जो मैंने अभी बताया था मल मिट्टी के बारे में, कि जो ना ही गीला होता है और ना ही सूखा होता है, बीच का होता है, इसे बायोसॉलिड्स बनाया जाता है सुखाने के बाद। इसे बायोसॉलिड्स बोलते हैं इस टाइप के कचरे को, और इनमें कैल्शियम, ऑर्गेनिक, नाइट्रोजन और फास्फोरस पाया जाता है, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछ लेगा बायोसॉलिड्स में पाए जाने वाले तत्व का नाम बताइए, या बायोसॉलिड्स में पाए जाने वाले पोषक तत्व का नाम बताइए, तो आपका आंसर होगा कैल्शियम, ऑर्गेनिक, नाइट्रोजन और फास्फोरस। और इनका उपयोग फसलों के लिए किया जाता है, जो कि फसलों के लिए काफ़ी उपयोगी होती है। यहाँ पे रासायनिक तत्व किन किन चीज़ों में कितनी मात्रा में पाया जाता है उनका डिटेल दिया गया है, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद कर लेंगे। फर्स्ट है सिलिकॉन, इनमें पाए जाने वाले रासायनिक पदार्थ तत्व हैं 36.7%। आयरन में 16.3%, एल्युमिनियम में 14.7%, कैल्शियम में 13.1%, फास्फोरस में 11.8%, पोटेशियम में 3.66%, टाइटेनियम में 1%, जस्ता में 0.81%, मैग्नीशियम में 0.77%, सल्फर में 0.36%, नाइट्रोजन में 0.17%, मंगन में 0.16%, कॉपर में 0.13% पाया जाता है। इसे आप दोबारा भी रिवाइज करके पढ़ लें। जो कचरा होता है, अभी हमने पढ़ा था तीन तरह का, एक ताज़ा होगा, एक क्या होगा, ताज़ा के बाद गांव घर के भाषा में बासी बोलते हैं, यानी कि एक दिन के बाद। ना ताज़ा जो होगा ना, ये मुलायम होगा, सॉफ्ट होगा, जैसे ही ये एक दिन 24 घंटे पुराना होगा, 48 घंटे पुराना होगा, तो इसमें धूप हवा लगने की वजह से ये इससे थोड़ा सॉलिड हो जाएगा, फिर उसके बाद ये ठोस रूप ग्रहण करेगा। जो ताज़ा मल होता है ना, उसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस का प्रतिशत सबसे अधिक होता है, लेकिन ट्रीटमेंट के बाद उपचार प्रक्रिया के दौरान इन पोषक तत्वों को विभिन्न जैविक और रासायनिक प्रक्रियाओं का उपयोग करके सीवेज से हटा दिया जाता है। यह शैवाल वृद्धि से बचने के लिए जल निकाय में निपटान से पहले सीवेज में पोषण भार को हटाने के लिए किया जाता है। अगर ऐसा नहीं किया जाएगा इसका ट्रीटमेंट, तो इस मल पे शैवाल का वृद्धि होने लगेगा, एक नए शैवाल का निर्माण होने लगेगा। उससे बचने के लिए, उसकी वृद्धि से बचने के लिए इस तरह का पहले सीवेज में पोषण भार जितना भी है इस ट्रीटमेंट के रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा, रासायनिक उपयोग के द्वारा सीवेज से हटा लिया जाता है। ये शैवाल की वृद्धि जो है, इनको रोकने के लिए उपचार प्रक्रिया के दौरान पोषक तत्वों को विभिन्न जैविक और रासायनिक प्रक्रियाओं का उपयोग करके सीवेज से हटा लिया जाता है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें इस बात पर विचार करना चाहिए कि प्रश्न सूखे मल मिट्टी DSS के लिए पूछा गया है, न कि ताज़ा मल के लिए, इसलिए कैल्शियम सही उत्तर है। अगर ताज़ा मल का बात होता तो नाइट्रोजन और फास्फोरस का प्रतिशत यहाँ पर अधिक दिखाते, लेकिन जब सूखा मल का बात किया है तो कैल्शियम ही सही उत्तर होगा। देख लीजिए क्वेश्चन किस प्रकार बनते हैं। आपका अगर इस तरह का कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो ताज़ा मल पूछ ले या फिर सूखा पूछ ले, जो भी पूछना है पूछ ले, आप आंसर कर दीजिएगा। ताज़ा मल पूछेगा नाइट्रोजन और फास्फोरस बहुत बता देंगे, सूखा पूछेगा कैल्शियम बता देंगे। निम्नलिखित का मिलान कीजिए, ये मिलान करना है। कॉलम एक अपशिष्ट निपटान विधि, कॉलम दो इसका अर्थ क्या, स्वच्छताप्रद भराव क्षेत्र, कॉलम टू अपशिष्ट को जलाना। ख में है भस्मीकरण, अपशिष्ट जमा करें और इसे बुलडोजर से दबा दें, ये मिलाना है। तीसरा है पुलवराइजिंग, ऑक्सीजन के अभाव में दहन। और चौथा है पायरोलिसिस, खेतों पर अपशिष्ट का प्रसार। अब इसको मिलाना है, इसका आंसर हो जाएगा दो। यहाँ पे देखिए ऑप्शन है दो, क का दो, ख का एक, ग का चार, घ का तीन। चलिए देख, स्वच्छता प्रद भराव क्षेत्र, अपशिष्ट जमा करें और इसे बुलडोजर से दबा दें, ये इसका पहला होगा। बी का वन, भस्मीकरण, भस्मीकरण में जलाया जाता है, ये हमने पढ़ा हुआ है। पुलवराइजिंग, पुलवराइजिंग का होगा सी का फोर, खेतों पर अपशिष्ट का प्रसार किया जाता है, पुल किया जाता है ना। पायरोलिसिस, ऑक्सीजन के अभाव में दहन, ऑक्सीजन का जब पायरोलिसिस की प्रक्रिया की जाती है तो वहाँ पे ऑक्सीजन का अभाव किया जाता है, ताकि ऑक्सीजन के प्रेजेंट में कई चीज़ें हैं, कई गैसें हैं, प्रतिक्रिया कर लेती हैं, तो उन वेस्टेज को, सिस्ट को, उन कचड़े का जो डिस्पोजल करते हैं वहाँ पे पायरोलिसिस विधि से करते हैं, ताकि ये कचरा ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया ना करें। तो ऑक्सीजन के अभाव में जो जलाया जाता है उसे हम पायरोलिसिस बोलते हैं, याद रहेगा, हमने पढ़ लिया है।
की पॉइंट्स है याद कर लीजिए आप, स्वच्छताप्रद भराव क्षेत्र अपशिष्ट जमा करें और इसे बुलडोजर से दबाएं, ये हो जाएगा। भस्मीकरण अपशिष्ट को जलाना, पुलवराइजिंग खेतों पर अपशिष्ट का प्रसार किया जाता, पायरोलिसिस में ऑक्सीजन के अभाव में अपशिष्ट पदार्थों का डिस्पोजल किया जाता है। स्वच्छताप्रद भराव क्षेत्र इंग्लिश में इसको लैंडफिल बोलते हैं, कल आपने लैंडफिल पढ़ा भी था क्लास में। लैंडफिल का जो डिस्पोजल का जो रूल है वो ये है कि मानिए ये बस्ती है तो ये जरूरी नहीं है कि हम जो भी कचरा है यहीं पे जाके दबा देंगे जमीन के अंदर, नहीं ऐसा इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हम यहाँ पे भूमिगत जल का भी उपयोग करते हैं और हमारे लिए हानिकारक भी हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हम फसल भी उगाते हैं, यहाँ पे हमारा और भी कई एक्टिविटी होता है जिसके लिए हानिकारक हो सकता है। तो करते क्या है, लैंडफिल के माध्यम से कचरे का निपटान कैसे करते हैं, जो बस्ती है हमारा वहाँ से कचरे को कलेक्ट करते हैं और इसे रेजिडेंशियल एरिया से दूर ले जाकर खाली एरिया में इसको मिट्टी में दबाया जाता है, मिट्टी के अंदर डिस्पोज किया जाता है, गाड़ दिया जाता है। नेक्स्ट है भस्मीकरण, ये देख रहे हैं कूड़ा करकट का रहता है अंबार सा लगा हुआ और वहाँ पर इसको जला दिया जाता है तो इससे भी कचरे का डिस्पोजल होता है, इसको भस्मीकरण को इंसिनरेशन बोलते हैं, समझ में आ गया। तीसरा है पुलवराइजिंग, पुलवराइज्ड वेस्ट है, इसको आप खेतों में इसको छिड़काव के माध्यम से इस वेस्ट को पुलवराइज्ड किया जाता है, जो इसका डिस्पोजल किया जाता है। अगला है पायरोलिसिस, पायरोलिसिस एक ऐसी प्रक्रिया है, दहन प्रक्रिया है जिसमें अपशिष्टों को जलाया जाता है लेकिन ऑक्सीजन के अभाव में, क्योंकि ये जो अपशिष्ट होते हैं काफ़ी हजार्डस नेचर के होते हैं, काफ़ी खतरनाक होते हैं और ये ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया कर लेते हैं, इसीलिए इन्हें ऑक्सीजन के अभाव में इनको जलाया जाता है, इसी को पायरोलिसिस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जून 2015 के चौथे सप्ताह में दो उद्यमियों और उनके नागरिक निकायों के बीच अपशिष्ट प्रबंधन पर समझौता कहाँ हुआ था, ये क्वेश्चन देख लीजिए आप कि करंट से भी कैसे जोड़ेगा वो, इसलिए जो करंट अफेयर्स आप पढ़ेंगे तो करंट अफेयर्स में इन सब न्यूज़ पे आपको ध्यान देना है, याद रखिएगा। और ये जो क्वेश्चन हमने बनाए हैं, मैंने बताया ना कि मैंने अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव और BPSC के द्वारा पूछे गए एग्ज़ाम्स के एनालिसिस पे मैंने ये सेट किया है, BPSC के माइंडसेट को पढ़ना पड़ता है, तो ये उसी टाइप से बनाया गया है और आपके लिए काफ़ी फायदेमंद भी है। असम में इसका आंसर हो जाएगा असम, जून 2015 के चौथे सप्ताह में असम में दो उद्यमियों और कई नागरिक निकायों के बीच अपशिष्ट प्रबंधन पर समझौते हुए थे। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बढ़ती हुई नगर पालिका ठोस अपशिष्ट की भारी मात्रा से उत्पन्न खतरों को, प्रदूषण को कम करना था। मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित सबसे प्रसिद्ध स्मारक और आइकॉनिक लैंडमार्क है। उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। गुजरात गांधीनगर गुजरात की राजधानी है, यहाँ भारत की सबसे लंबी तटरेखा है। केरल तिरुवनंतपुरम केरल की राजधानी है, श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर तिरुवनंतपुरम में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा ठोस अपशिष्ट के निपटान का एक स्वच्छ तरीका है, और यदि कचरे में अधिक खतरनाक सामग्री और जैविक सामग्री हो तो यह अधिक उपयुक्त है, तो इसका आंसर होगा खाद, भस्मीकरण, ऑक्सीजन। हम सही है खाद, तो खाद का मतलब जो कंपोजिट के द्वारा किया जाता है और भस्मीकरण इंसिनरेशन मतलब जलाकर किया जाता है। देखिए खतरनाक कचरा वह कचरा होता है जिसमें सार्वजनिक स्वास्थ्य या पर्यावरण के लिए पर्याप्त या संभावित खतरा होता है। अभिलक्षण खतरा अपशिष्ट वह सामग्री है जिन्हें निम्नलिखित खतरनाक विशिष्टता में से एक या अधिक दिखाने के लिए जाना जाता है या परीक्षण किया जाता है, और इसमें जो लक्षण होते हैं खतरनाक कचरा का वो होता है ज्वलनशीलता, इसमें सबसे ज़्यादा होता है, संक्षारणीयता होता है, ये प्रतिक्रियाशील होता है और जहरीला होता है, हजार्डस होता है। और जोखिमपूर्ण कचरे के निपटान के लिए सबसे आम तरीका है वो है लैंडफिल और भट्टी के माध्यम से। यदि कचरे के निपटान के लिए प्रचुर मात्रा में भूमि उपलब्ध है तो भूमि निपटान का उपयोग किया जाता है, यदि कचरे के निपटान के लिए प्रचुर मात्रा में भूमि उपलब्ध नहीं है तो भट्टी, आग का जो भट्टी होता है उसके माध्यम से इसका निपटान किया जाता है। अगला भस्मीकरण है, बार बार आ रहा है, इसको पढ़ लीजिए। उस विधि में ठोस अपशिष्ट को भट्टी में तब तक जलाया जाता है जब तक कि यह राख में बदल नहीं जाता। इस प्रक्रिया में अपशिष्ट के दहनशील हिस्से ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनाते हैं जो वायुमंडल में मुक्त होते हैं।
भस्मीकरण में क्या होता है कि ये ऑक्सीजन के साथ इसका जो वेस्टेज है वो प्रतिक्रिया कर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है और पानी भी बनाता है। भस्मकों को इस प्रकार बनाया जाता है जिससे ठोस अपशिष्टों को जलाने पर वे अत्यधिक मात्रा में ताप का निष्कासन नहीं करें। भस्मीकरण के लिए उपयुक्त तापमान और संचालन की स्थिति आवश्यक है। यह अपशिष्ट की मात्रा को मूल मात्रा से 20-30% तक कम कर देता है। कहने का मतलब है कि भस्मीकरण के द्वारा जब ये राख बनता है, अगर 100% है तो इसको जलाने के बाद भी वेस्टेज तो बनेगा ही, कचरा तो बनेगा ही, लेकिन ये जो परसेंटेज होगा इसका 20-30% तक घट जाता है, कम हो जाता है। जैसे एक कागज़ को जला लीजिए, कागज़ का आकार देख लीजिए जलने के बाद कितना छोटा हो जाता है। तो ये एग्जाम्पल है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की यह विधि व्यक्तियों, नगरपालिकाओं और जहाँ तक कि संस्थानों द्वारा निष्पादित की जा सकती है। और ये जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में इंसिनरेशन है, भस्मीकरण है, यह विधि किसी के द्वारा भी अपनाया जा सकता है। ये हम भी कर सकते हैं, नगरपालिका भी कर सकता है, या फिर कचरा निपटान से संबंधित जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो कर सकती है। एक विधि होता है पुनर्चक्रण, जिसको रिसाइकलिंग भी बोलते हैं। यह अपशिष्ट के निवारण के लिए अपशिष्ट पदार्थों को पुनः प्रयोज्य वस्तुओं में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है। वे सामग्रियों जिनसे वस्तुओं को बनाया जाता है उन्हें नए उत्पादों में पुनः संसाधित किया जा सकता है। ऐसी सामग्री के पुनर्चक्रण द्वारा उत्पाद की बचत होती है और यह नए उत्पादों को बनाने के लिए निर्माण की लागत को भी कम करता है। यह ऊर्जा की बचत और वैश्विक जलवायु परिवर्तन को भी कम करने में मदद करता है। रिसाइकलिंग के थ्रू हमने बताया था कि इस वेस्टेज को, वेस्टेज से नए चीज़ों का निर्माण होता है, रिसाइकल किया जाता है और उसे पुनः उपयोग में लाया जाता है। जलवायु परिवर्तन को भी कम करता है, ग्लोबल वार्मिंग को भी कम करता है, यह काफ़ी फायदेमंद है। अगला है लैंडफिल, जिसको हिंदी में अपशिष्ट भराव क्षेत्र या गाड़ना कहते हैं। लैंडफिल का तात्पर्य है गाड़कर अपशिष्ट यानी कि कचरे का निपटान करना। यह अजैव निम्नीकरण कचरे के लिए एक विस्तारित भंडारण क्षेत्र है। अपशिष्ट लैंडफिल एक क्षेत्र है जो मिट्टी और पानी द्वारा आसपास के क्षेत्र में प्रवेश करने वाले कचरे से संदूषण को रोकता है और यह गंध और कीटों को कम करने में भी मदद करता है। मानिए कि अगर आप कचरे का दूर ले जाकर, जहाँ पे बस्ती है और रेजिडेंशियल एरिया से दूर ले जाकर लैंडफिल के माध्यम से यानी कि मिट्टी के अंदर गाड़ कर कचरे का डिस्पोजल किए हैं, तो इस बात का डर खत्म हो जाता है कि जब बारिश होगा या फिर बाढ़ आ जाए, यही कचरा फिर पानी में मिलकर ऐसा नहीं हो कि फिर रेजिडेंशियल एरिया में घुस जाए और वहाँ पे दूषित कर दे वातावरण को, या फिर वहाँ का पानी दूषित हो जाए इत्यादि इत्यादि। एक है खाद बनाना। ये भराव क्षेत्र के लिए पर्याप्त जगह की कमी के कारण जैव निम्नीकरण यार्ड अपशिष्ट को इसी उद्देश्य के लिए डिज़ाइन किए गए माध्यम में विघटित करने की अनुमति की गई है। मतलब अगर मानिए कि आपके पास लैंडफिल करने के लिए जगह का पर्याप्त मात्रा नहीं है, जगह चाहिए लैंडफिल करने के लिए, मिट्टी में गाड़ने के लिए कचरों को, अगर वो नहीं है तो आप क्या करेंगे, कंपोजिटकरण के द्वारा कंपोजिट खाद बनाएंगे, वस्तुओं को एक जगह पर जमा करेंगे, उसे सड़ाएंगे गलाएंगे, और सड़ने गलने के बाद ऑटोमेटिकली क्या होता है कि जो मूल वस्तु होती है सड़ने गलने के बाद वो घट जाता है, कम हो जाता है, और फिर उससे हम कंपोजिट खाद बना लेंगे, और खाद बनाने के बाद जैव निम्नीकरण अपशिष्ट पदार्थों का उपयोग किया जाता है, और खाद बनाने के बाद उसको फिर से खेतों में उपयोग करते हैं। अच्छा, खाद बनाने में जैव निम्नीकरण, इसको मिनिमाइजेशन जिसको बोलते हैं, बायो मिनिमाइजेशन वेस्ट पदार्थों का उपयोग किया जाता है। अच्छी गुणवत्ता वाले पर्यावरण के अनुकूल खाद बनाने से बनाई जाती है। इसका उपयोग कृषि उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है, बता भी दिया था। भारत के पहले ई अपशिष्ट किलने का उद्घाटन किया गया था, कहाँ किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में भारत के पहले ई अपशिष्ट किलने का उद्घाटन किया गया था। मध्य प्रदेश भोपाल में भारत के पहले ई अपशिष्ट किलने का उद्घाटन किया गया था, ये याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ई अपशिष्ट किलने घरेलू और वाणिज्यिक इकाइयों से अलग प्रसंस्करण और निपटान अपशिष्ट के लिए उपयोग किया जाता है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट या ई अपशिष्ट त्याग विद्युत या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का रूप है। क्लिनिक की परिकल्पना ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के अनुपालन में की जाती है। और मैं आपको बता दूं कि जो हम लोग कोर्स करवा रहे हैं जीएस आज तक पर, आप अगर परचेज करते हैं तो वहाँ पे और ये स्टडीज पार्क पे भी आपको अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 भी पढ़ाया जाएगा, और इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपके सिलेबस में भी है, लास्ट में आप देख लीजिएगा, अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 ये आपको पढ़ना है। इसकी स्थापना के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB और भोपाल नगर निगम BMC के बीच ई अपशिष्ट क्लिनिक पर हस्ताक्षर किए गए थे। ओके, CPCB यूनिट में तकनीकी सहायता प्रदान करेगा और एकत्र किए गए खतरनाक अपशिष्ट को रिसाइकलिंग के लिए बेंगलुरु भेजा जाएगा। अपशिष्ट विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं को ई अपशिष्ट की संज्ञा दी जाती है। ऐसे अपशिष्ट जब सावधानी से निपटाए जाते हैं या पुनर्नवीकरण
किया जाता है तो स्वास्थ्य और पर्यावरण को नुकसान हो सकता है, इसलिए ई अपशिष्ट के नियमन के लिए आवश्यक है। ई अपशिष्ट के पर्यावरणीय प्रभाव, जब एक इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट को लैंडफिल में फेंक दिया जाता है तो उनकी विषाक्त सामग्री भूजल में रिश्ती है, जिससे भूमि और समुद्री दोनों जानवर प्रभावित होते हैं। केवल 10% सेल फोन संयुक्त राज्य अमेरिका में पुनर्नवीनीकरण किए जाते हैं और अधिकांश अमेरिकियों को हर 12 से 18 महीनों में नए सेलफोन मिलते हैं। चीन के गुआयू में कई निवासी पर्याप्त पाचन, न्यूरोलॉजिकल श्वसन और हड्डियों की समस्याओं का प्रदर्शन करते हैं। कंप्यूटर और अधिकांश इलेक्ट्रॉनिक्स में सीसा, जस्ता, निकल, फ्लेम रिटार्डेट, बेरियम और क्रोमियम और विषाक्त पदार्थ होते हैं। कंप्यूटर और अधिकांश जो भी इलेक्ट्रॉनिक वस्तु होती है उसमें क्या क्या पाया जाता है? अधिकतर सीसा, जस्ता, निकल, फ्लेम रिटार्डेट, बेरियम और क्रोमियम जैसे जहरीले पदार्थ पाए जाते हैं। जब ई अपशिष्ट को गर्म किया जाता है तो जहरीले रसायनों को वायुमंडल को नुकसान पहुंचाने वाली हवा में छोड़ा जाता है, समझ लीजिए, क्योंकि ये बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। और ई वेस्ट का हमने एग्जांपल क्लास में बताया था कि ई वेस्ट क्या है। ई वेस्ट सारे इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर वेस्टेज हैं, आपके सेलफोन हैं इत्यादि हैं। निम्नलिखित सूची का मिलान करें, तो निम्नलिखित सूची क्या क्या है जिनका मिलान करना है हमको? पीले प्लास्टिक बैग डिस्पोजल के लिए तरीके हैं, ये रंग है कि प्लास्टिक जो बैग होता है पीले रंग का, ये किस प्रकार के कचरे के डिस्पोजल के लिए है? काले प्लास्टिक बैग का क्या मीनिंग है? नीले या सफ़ेद प्लास्टिक के बैग का क्या मीनिंग है? लाल प्लास्टिक बैग का क्या मीनिंग है? इसका आंसर हो जाएगा, सभी मानवीय गतिविधियां अपशिष्ट उत्पन्न करती हैं। हम सभी जानते हैं कि इस तरह के कचरे खतरनाक हो सकते हैं और इनकी सुरक्षित निपटान की आवश्यकता है। जैव चिकित्सा अपशिष्ट का अर्थ है कोई ठोस या तरल अपशिष्ट जिसमें इसके कंटेनर और कोई मध्यवर्ती उत्पाद शामिल है, जो मनुष्यों या जानवरों के निदान, उपचार या प्रतिरक्षण के दौरान उत्पन्न होता है या उससे संबंधित या जैविक या स्वास्थ्य शिविरों, उत्पादन या परीक्षण में अनुसंधान गतिविधियों के दौरान उत्पन्न होता है। जैव चिकित्सा अपशिष्ट को हमने बता भी दिया है, आप समझ गए होंगे कि जब चिकित्सा की बात आ जाए, जैव चिकित्सा की बात आए तो मानव के द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट हैं या पशु के उपचार से, मानव के उपचार से जो उत्पन्न अपशिष्ट हैं उनकी बात होती है। जैव चिकित्सा अपशिष्ट में क्या क्या शामिल है इसको देखिए। मानव शारीरिक अपशिष्ट जैसे उत्तक, अंग और शरीर के अंग, पशु अस्पतालों से अनुसंधान के दौरान उत्पन्न पशु अपशिष्ट, माइक्रोबायोलॉजिक और जैव प्रौद्योगिकी अपशिष्ट, हाइपोडर्मिक सुई, सिरिंज, स्केलपेल और टूटे ग्लास जैसे धारदार अपशिष्ट, छोड़ी हुई दवाएं और साइटोटॉक्सिक दवाएं, गंदे कचरे जैसे ड्रेसिंग, पट्टियां, प्लास्टर कास्ट, रक्त से दूषित पदार्थ, ट्यूब और कैथेटर, किसी भी संक्रमित क्षेत्र से तरल अपशिष्ट और लास्ट में भस्म, राख और अन्य रासायनिक अपशिष्ट। इसे हमने बता भी दिया था और इसे आप नोट कर सकते हैं। अब इसमें कहा गया है अपशिष्ट का जो प्रकार होता है पीला कलर का, इसमें मानव उत्तक और शरीर के अंग होते हैं और इसका जो डिस्पोजल का ट्रीटमेंट है वो है भस्मीकरण या प्लाज्मा पायरोलिसिस या गहरा दफन। कहा जाता है कि इस पीले बॉक्स में इन कचरों को रखा जाएगा जब किसी मानव का उत्तक होगा, शरीर का अंग होगा डिस्पोजल करने के लिए कचरे के रूप में, तो इसे पीले बॉक्स में रखेंगे और जब इसका डिस्पोजल करेंगे तो भस्मीकरण यानी जलाकर या फिर ऑक्सीजन के अभाव में प्लाज्मा पायरोलिसिस के द्वारा या अंदर गहरा, बहुत ही अंदर जो होता है लैंडफिल के माध्यम से। तीन तरीकों से किया जा सकता है। पहला होगा इंसिनरेशन भस्मीकरण, पायरोलिसिस और लैंडफिल, गहरा दफन। सेकेंड है लाल, जो डिब्बा होता है उसमें हम जो अपशिष्ट रखते हैं वो रिसाइक्लेबल रखते हैं, जो रिसाइकलिंग के लिए हो, जैसे ट्यूबिंग, बोतलें, अंतरसिरा ट्यूब, सेट, सिरिंज, सुई और निश्चित सुई और निश्चित सुई सिरिंज के बिना और दस्ताने जैसे डिस्पोजेबल वस्तुओं से उत्पन्न कचरे। लाल रंग का गैर क्लोरीन युक्त प्लास्टिक बैग या कंटेनर, इसके निपटान के लिए ऑटोक्लेविंग या माइक्रो वार्मिंग एक उपयुक्त विकल्प है। इस टाइप के जो कचरे होंगे वो लाल डब्बे में होंगे और गैर क्लोरीन युक्त प्लास्टिक बैग होगा जिसमें क्लोरीन नहीं हो, उसको इसके निपटान के लिए ऑटोक्लेविंग या माइक्रो वार्मिंग एक विकल्प है जिसके थ्रू इसका डिस्पोजल होता है। अगला है नीला या सफ़ेद कंटेनर। नीले प्लास्टिक बैग में दूषित कांच होता है, सफ़ेद बैग में धातु सहित धारदार अपशिष्ट होता है। तो जब भी नीले प्लास्टिक बैग की बात हो तो समझ लीजिएगा कि यहाँ पे जो होगा दूषित कांच होगा और ये दूषित कांच लैब में ज़्यादातर होता है। जब आप वहाँ पे ब्लड टेस्टिंग के लिए जाते हैं देखते हैं वो कांच पे ही हमारा टेस्टिंग करते हैं। सफ़ेद बैग में धातु सहित धारदार अपशिष्ट होते हैं और इसका जो डिस्पोजल होगा वो नीले बैग के निपटान के लिए कीटाणु शोधन या हाइड्रोक्लेविंग एक उपयुक्त विधि है। तो कीटाणु शोधन या
हाइड्रोक्लाविंग के द्वारा होगा या फिर शुष्क गर्म कीटाणु शोधन या सैनिटरी लैंडफिल सफ़ेद प्लास्टिक बैग के निपटान का एक व्यवहार है। तो लैंडफिल से भी हो सकता है या कीटाणु शोधन सैनिटरी के द्वारा भी हो सकता है। काला और इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। काला का काला कलर का जो होता है ज़्यादातर में घरेलू सामान्य कचरा या कचरा होता है। इसे सुरक्षित लैंडफिल में भूमिगत निपटान के लिए सुरक्षित रूप से छोड़ा जा सकता है। तो जो काला कपड़ा होता है, जो काला कंटेनर होता है, उसमें घरेलू कचरा जो होता है उसे हम रखते हैं और इसके डिस्पोजल के लिए लैंडफिल ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है या ज़मीन में गाड़ कर भी इसका हम उपचार कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा। 2 का 1, 1 का 2, 4 का 3, 3 का 4। तो 3 का 4 है। नीले सफ़ेद प्लास्टिक बैग को हम माइक्रोवेव उपचार और विनाश के द्वारा कर सकते हैं। 3 का 4, 2 का 1, 1 का 2, 2 का 1। काले प्लास्टिक बैग सुरक्षित लैंडफिल के द्वारा हमने पढ़ा है, और 1 का 2 पीले प्लास्टिक बैग भस्मीकरण और गहरे दफन के द्वारा, और 4 का 3, 3 का 4, 4 का 3 है और 3 का 4 है। तो नीले सफ़ेद प्लास्टिक बैग को माइक्रोवेव उपचार और विनाश के द्वारा करेंगे, और 4 का 3 है। लाल प्लास्टिक बैग को ऑटोक्लेविंग और रासायनिक उपचार के द्वारा इसका डिस्पोजल होगा, ये याद कर लीजिएगा। इम्पोर्टेंट वेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स, डिस्पोजल, बायोडिग्रेडेबल, रिसाइकलिंग, लैंडफिल, ऑल ऑफ द अबव। जो महत्वपूर्ण वेस्ट मैनेजमेंट के टेक्निक हैं ये तीनों हैं, डिस्पोजेबल, बायोडिग्रेडेबल, ऑर्गेनिक, रिसाइकलिंग और लैंडफिल। ऑल ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए रिसाइकलिंग को पढ़िए। यह अपशिष्ट के निवारण के लिए अपशिष्ट पदार्थों को पुनः प्रयोज्य वस्तु में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है। कई बार आप पढ़ चुके हैं, वे सामग्रियां जिनसे वस्तुओं को बनाया जाता है उन्हें नए उत्पादों में पुनः संसाधित किया जाता है। यह समुदाय, उद्योग और सरकार को, यानी कि कम्युनिटी इंडस्ट्री और गवर्नमेंट की जो इंडस्ट्री है उसमें नई सामानों को और उसको बनाने के उपयोग को कम करने को प्रोत्साहित किया जाता है। नया बनाना नहीं है, दोबारा जो है रिसाइकलिंग के थ्रू ही पुरानी चीज़ों को नया बनाया जाता है। ऐसी सामग्री के पुनर्चक्रण यानी रिसाइकलिंग द्वारा उत्पाद की बचत होती है और नए उत्पादों को बनाने के लिए निर्माण की लागत को भी कम करता है। तो नया प्रोडक्ट भी बन जाता है और कॉस्टिंग भी कम होती है। यह ऊर्जा की बचत और वैश्विक जलवायु परिवर्तन को भी कम करता है और ग्लोबल वार्मिंग को भी कम करता है। यह उपचार प्रक्रियाओं की दक्षता में सुधार करता है। अगला है कंपोजिटिंग। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो किसी भी खतरनाक उप उत्पाद से पूरी तरह से मुक्त होती है। इसमें कार्बनिक यौगिकों में सामग्री को विघटित करना शामिल है जिसे खाद के रूप में उपयोग किया जा सकता है। उसके बाद है अपशिष्ट भराव क्षेत्र। अपशिष्ट भराव क्षेत्र के उपयोग के माध्यम से अपशिष्ट प्रबंधन में एक बड़े क्षेत्र का, ये बोलते हैं अपशिष्ट भराव क्षेत्र, जिसको लैंडफिल बोलते हैं, और इसमें क्या किया जाता है, कचरे को गाड़ दिया जाता है। जल संसाधन राज्यों के बीच विवाद की एक कुंजी कावेरी विवाद डैश के बीच है, और कावेरी विवाद किनके बीच है जी, इसका आंसर हो जाएगा 3, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है। जल संसाधन राज्यों के बीच विवाद है और ये कावेरी विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु है। इस जल विवाद के बारे में जानते हैं, ब्रिटिश राज के समय से ही कावेरी जल बंटवारा विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच विवाद का विषय रहा है। दोनों राज्यों के कई जिले सिंचाई के लिए कावेरी नदी पर निर्भर है, जबकि बेंगलुरु शहर को नदी का पानी मिलता है। कावेरी विवाद को जानते हैं। कावेरी एक बारहमासी नदी है जो कर्नाटक में निकलती है और तमिलनाडु से पुदुचेरी तक बहती है। यह बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है। यह तमिलनाडु की एकमात्र बारहमासी नदी है और वर्तमान में 70% से अधिक नहर सिंचाई का स्रोत है, जो राज्य के कृषि भूमि को पानी की आपूर्ति भी करता है। मध्य और पश्चिमी तमिलनाडु, साथ ही मदुरै और रामनाथपुरम के कई जिले पीने के पानी के लिए कावेरी पर निर्भर है। कर्नाटक तमिलनाडु द्वारा पानी का समान और समय पर साझाकरण इसीलिए तमिलनाडु की कृषि और पेयजल दोनों जरूरतों के लिए महत्वपूर्ण है। दशकों से दोनों राज्यों ने समयबद्धता, आवृत्ति और पानी की मात्रा पर लड़ाई लड़ी है, जिसके लिए प्रत्येक व्यक्ति हकदार है। यह मुद्दा भी एक चुनावी मुद्दा रहा है और दोनों राज्यों को एक दूसरे के खिलाफ ध्रुवीकरण करने का एक साधन है। 16 फरवरी 2018 को भारत के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की एक विशेष पीठ ने 5 फरवरी 2007 को कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण CWDT कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल द्वारा अंतिम रूप से जल बंटवारे की व्यवस्था को बनाए रखते हुए इस मुद्दे पर फैसला दिया। CWDT की व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण बदलाव यह था कि सर्वोच्च न्यायालय ने कर्नाटक को अतिरिक्त 14.75 TMCFT का फुल फॉर्म होता है 1000 मिलियन क्यूबिक फीट का पुरस्कार दिया था CWDT ने, जिसमें बेंगलुरु की बढ़ती पेयजल आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कहा गया कि इसे वैश्विक शहर का दर्जा प्राप्त था।
तमिलनाडु का हिस्सा इसलिए पहले 192 TMCFT से 177.25 TMCFT पर लाया गया था। अदालत ने तमिलनाडु को भूजल के 10 TMCFT में टैप करने का निर्देश दिया, जो कि अनुभवजन्य 20 TMCFT के मौजूदा स्टॉक का लगभग आधा था। CWDT ने जल बंटवारे की व्यवस्था का पुरस्कार देते समय भूजल भंडार को ध्यान में नहीं रखा था। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को फैसले को लागू करने के लिए योजना बनाने का भी निर्देश दिया। जल संसाधन राज्यों के बीच विवाद की कुंजी है कावेरी विवाद, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है। परियोज्य खाद्य उत्पादन में किसकी अवधि 3 से 6 महीने होती है? ऑप्शन कृमि खाद, अर्धस्वचालित अपशिष्ट प्रबंधन, गड्ढे में खाद डालना, स्वचालित अपशिष्ट परिवर्तन। यह आखिरी क्वेश्चन है और ऑप्शन देखने के बाद इसका आंसर होगा गड्ढे में खाद डालना। ये खाद उत्पादन में 3 से 6 महीने लगती है, इसमें गड्ढे में खाद डालना प्रायोजित खाद उत्पादन का 3 से 6 महीने का अवधि होता है। ठोस अपशिष्ट के निपटान के लिए खाद बनाना एक विकल्प है। खाद बनाने की प्रक्रिया में जैविक पदार्थ बैक्टीरिया की क्रिया के तहत टूट जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप खाद जैसी सामग्री का निर्माण होता है। जैव निम्नीकरण ठोस अपशिष्ट को गड्ढे में खाद डालना या कृत्रिम खाद गड्ढे में भी डाला जाता है। यह एक साधारण खाद के गड्ढे या कूड़े के गड्ढे में डाला जाता है। गड्ढे में खाद डालने की प्रक्रिया पूरी करने में औसत समय 3 से 6 महीने है। यह कार्बनिक अपशिष्ट को मिट्टी को विघटित करने और समृद्ध करने में मदद करने के लिए एक सघन और सुव्यवस्थित तरीका है। गड्ढे में खाद डालने को खंदक खाद भी कहा जाता है। कृमि खाद, इसमें कार्बनिक ठोस अपशिष्टों की खाद बनाने के लिए केचुओं का उपयोग किया जाता है। गड्ढा बनाया जाता है जिसमें केचुओं को डाला जाता है और यह आपके खाद्यान्न कचरे को खाद में पुनरावृत्ति करने का एक संसाधन तरीका है। इसमें लगभग 2 से 3 महीने लगते हैं। 3 से 6 महीने खाद गड्ढे में लगते हैं जिसमें कचरे को रखा जाता है, और कृमि खाद बनाने में 2 से 3 महीने लगते हैं जिसमें केचुआ के माध्यम से किया जाता है। और अपशिष्ट परिवर्तक मशीन जो है, इसके द्वारा जो खाद को परिवर्तित करता है मशीन के माध्यम से, जैसे नाइट्रोजन यूरिया वगैरह है, तो इस प्रक्रिया में बहुत कम समय लगता है। और अर्धस्वचालित अपशिष्ट खाद मशीन किसी भी तरह के जैविक कचरे को 12 से 15 दिनों के भीतर खाद में बदल देती है, और इसमें 12 से 15 दिन लगता है। स्वचालित अपशिष्ट परिवर्तक मशीन खाद बनाने की प्रक्रिया 1 से 3 दिन का समय लेती है। परिवर्तक मशीन जो होती है वो 1 से 3 दिन का लेती है, और स्वचालित जो अपशिष्ट अर्धस्वचालित अपशिष्ट खाद मशीन है वो 12 से 15 दिन का लेती है। जब पूछेगा अर्धस्वचालित अपशिष्ट खाद मशीन 12 से 15 दिन और परिवर्तक खाद मशीन की प्रक्रिया तो 1 से 3 दिन। तो दिए गए मुद्दे से यह स्पष्ट होता है कि गड्ढा खाद की औसत अवधि लगभग 3 से 6 महीने होती है। तो आंसर हो जाएगा गड्ढा खाद। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा वीडियो ख़त्म होता है और काफ़ी लंबा वीडियो बन चुका था, लेकिन मैंने MCQ के माध्यम से आपको पूरा कोर्स भी कराया है और आपको इन डिटेल बताया भी है। आई थिंक कि वेस्ट मैनेजमेंट का फर्स्ट यूनिट मैंने ख़त्म कर दिया है। अब सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का क्लास आएगा 2-3 दिन में। आप हमारा लाइट बोर्ड पर वीडियो ज़रूर देखिएगा, साथ ही साथ आप जीएस आज तक ऐप अपने मोबाइल पर डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आप कोर्स की तैयारी कर सकते हैं। आप जीएस आज तक पर चेकआउट कीजिए, प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कीजिए। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और MCQ के लिए तो ऐसा ही रहेगा वीडियो, लेकिन जो हम क्लास में कॉन्सेप्ट बतलाते हैं वो इन डिटेल रहेगा। वो आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया है, तभी मैं मोटिवेट होकर ये वीडियो तुरंत ही लेकर आया हूँ। आपका सपोर्ट बना रहे, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ और अपने दोस्तों के भी शेयर करें। आपकी तैयारी के लिए हम प्रतिबद्ध हैं और समय निकाल कर आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, तो आपका सपोर्ट मिलना हमारा राइट है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, बाय बाय।